गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल्कि अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए जय श्री गुरुदेव आप सबको। और अब है समय हमारे श्री गुरुदेव प्यारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात करने का अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में आ रहे परिवर्तन को समझने का। और कोई अनुभव कोई प्रश्न या बदलाव हो तो आप शेयर करो सबके साथ करो। और कुछ ऐसी अनुभूति हो जो आपके बदलाव में परिवर्तित हुई हो आपके स्वभाव में परिवर्तन हुई हो और जो दिखे आपको और जो दिखाई जाए आपको अंदर से कि तू ऐसा हो गया है पहले ऐसा था तो वो बदलाव है उसे ज़रूर सबके सामने रखना चाहिए। इस तरह से सिद्धियों का प्रचार प्रसार आपको अपने बदलाव के साथ करना चाहिए। तो अब अगर आप में से कोई भी कुछ भी कहना चाहे कुछ भी पूछना चाहे कुछ भी बताना चाहे और कोई अनुभव शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हो आप बता सकते हो ठीक है। तो कोई कुछ कहना चाहता है कोई बताना चाहता है कुछ बताइए कुछ सारे। समय देते हैं सबको सबको सोचने का थोड़ा समय चाहिए ना। आपका है प्रश्न कोई? अच्छा, सारा दिन पूरा दिन सोचते नहीं है समय है, सारा दिन? आज क्या करते हो सारा दिन? सारा दिन तो सोचते होंगे ना आज क्या पूछना है इसीलिए। आप सोचते हो? आप तो सही बात है आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप तो मस्त आनंद में हो। गुरुदेव आपसे बहुत बढ़िया बढ़िया लिखवा रहे हैं कविताएं। और आज के ध्यान में तो गुरुदेव ने इतने रुलाया पता नहीं क्यों इतना रुलाया अंदर से क्या क्या बातें निकल के आ रही थी मैं बहुत रोई अभी मेरे आंसू इतने टपक रहे थे आपके भर भर के आ रही थी अंदर। अच्छा आज के ध्यान में आप रोए? बहुत ज्यादा रोई। नहीं रोए मतलब ध्यान में रोए ना लिटरली रो रहे थे मतलब रो ध्यान करते करते ही रो रही थी मैं अंदर से मतलब कि ध्यान मुझे वो ध्यान लग रहा था नहीं लग रहा लेकिन मैं गुरुदेव से बातें कर करके मुझे नहीं पता मैं क्या क्या कह रही थी गुरुदेव को और मैं बहुत ज्यादा रोए जा रही थी। मतलब सच्ची में रोए मतलब ध्यान कर रहे हो लेकिन रो भी रहे? सच्ची में रोई हूँ मैं तो बहुत। देखिए दो तरह के रोने होते हैं एक तो ध्यान में आदमी रोता है एक तो वैसे ही ध्यान में रोता है।
और एक नहीं, रोता इसलिए कि उद्देश्य बस बातें वो करते ध्यान में बस बात करते करते रोने लग जाता है। रोंदू मेरी तरह कोई उद्देश्य रोंदू हो तो क्या। वैसे ही रोता है वो। हाँ, मैं वैसे ही रोंदू ही थी, आज रो रही हूँ। गुरुदेव अच्छा से बातें करके, गुरुदेव से शिकायतें थी मेरी, तो हाँ गुरुदेव से आज मैंने गुरुदेव से सारी चीजें बोली हैं और रो रो के बोली हैं, तो शायद गुरुदेव मेरी जल्दी ही सुन लेंगे, पूरी कर देंगे वो। अच्छा क्योंकि माँ भी जब पिलाती है ना बच्चे को, जब वो रोता है और वो ऐसे, तो हाँ इसलिए इसलिए रोई आज गुरुदेव से, बहुत ही रोई, बहुत रोई। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, गुरुदेव से बात करनी चाहिए। हाँ, आज का ध्यान गुरुदेव से बात तो गया पूरा था। अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखो ये लेकिन एक तरह से अच्छी बात भी है, जनरली ध्यान में आप रोए गुरुदेव को याद करके, इसका मतलब है कि एटलीस्ट 15 मिनट तो आपका गुरुदेव में ध्यान रहा, चाहे रोते रोते ही रहा। नहीं, मेरा जब जब से हम ध्यान शुरू करा था, और 7:02 तक मैं गुरुदेव के सामने रोई ही हूँ, अच्छा इतनी देर तो मैं रोई हूँ हाँ, चलो इतनी देर फिर आज बातें ध्यान में करती रहे हूँ, आप। रोई हूँ मैं तो, खूब हाँ, रोई हूँ रोना बातें तो करती एक कनेक्शन है, करती। रोना तो एक बहाने वो हैं, ध्यान ही सिर्फ कनेक्शन होना चाहिए होता था। ना, क्योंकि गुरुदेव ही करवाते होंगे ना, बोलवाते हुए ये चीज जो हाँ अंदर थी बिल्कुल, वो वो चाहते निकलवाते थे कि करवाते। आधा घंटा बस आप कनेक्शन में रहो, रोते रोते रहो, हंसते हाँ, हंसते रहो, कुछ भी पक्का करते तार रहो, थी लेकिन उनके ऊपर, कनेक्शन में पक्का रहना बस। हाँ तार से तार जुड़ा हुआ था, ये बात मैं मानती हूँ, आपको ये लग रहा बात। था आप रो रहे हो, लेकिन वो कुछ और ही परिवर्तन कर रहे होंगे उस समय। तू रोती रह बेटा तब तक, मैं हाँ, कुछ परिवर्तन था, करता हूँ। कुछ था, हाँ बिल्कुल कुछ था, जरूर सच में था कुछ। आज का तो ध्यान बड़ा आनंदमय था, बड़ा अच्छा हाँ लगा मुझे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोविंद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। गोविंद भाई बस आनंद लेते हैं बातों का। हाँ, अच्छा चलिए, गोविंद भाई जी कुछ कहना चाहते हैं गोविंद भाई जी कुछ बोलेंगे। आप? फ्री टिकट आनंद की है ये, फ्री टिकट है आनंद की, शाम को 7 बजे। अच्छा चलिए, तो आज जो है मैं वैसे एक गुरु भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो उनका एक प्रश्न था एक एक्चुअली, तो मैंने सोचा था वो आज आएंगे सेशन में, और सेशन में आके वो उस बात को बात करेंगे, तो हम उस पर बात चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो अभी नहीं ज्वाइन किया है उन्होंने। नरहरी भाई है ग्रुप में? हाँ नरहरी भाई हैं, लेकिन ये प्रश्न किसी दूसरे गुरु भाई का है, और नहीं, तो मुझसे बात, मैंने गुरुदेव बात, नरहरी भाई भजन के लिए बोल रहे थे कि गुरुदेव की ऐसी प्रेरणा हो रही है कि ये भजनों की ना किताब बुक का रूप दिया जाए इनको, आप भेजो मेरे पास, तो हाँ उसके अच्छा बारे में अच्छा बहुत बढ़िया, मैं तो कैसे, आपको बहुत पहले ही बोला था इस बात के लिए कि आप लिखो, मैं सॉफ्ट भजन कॉपी भेजू भेजो। हाँ कैसे, डेली में। जय हाँ, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव नरहरि गुरुदेव, भाई। भोला बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नरहरि भाई आपको। राशि भाई, मैंने ये मतलब जैसे ऐसा भजन इन्होंने मुझे भेजा था और सुना, तो ऐसा लगा कि ऐसे ये संग्रह काफी साधकों तक कभी पहुंच सकता है। अभी जैसे ऑडियो कैसेट्स बनाना तो बहुत थोड़ा लंबा एक्सपेंसिव होता है, तो शुरू में जैसे हम एक बुक बना देते हैं, छोटी सी जो भी किताब आती है, मिनिमम 1000 प्रिंट होती है उसकी। तो हाँ मैंने इनको मैसेज किया था, उन्होंने कहा ग्रुप में भी बात करेंगे, तो ऐसा वो आप मुझे अगर भेज दो तो मैं उसका प्रिंट करवाने का जो भी है वो करवा दूँ। पहले तो सॉफ्ट कॉपी, बढ़िया सा लिखाई में एक सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ, वो सबसे अच्छा मैं एक तरीका है कॉपी, वो अपने ऑनलाइन। आप एक कॉपी, तो वो बना देगा ना, वो टाइपिस्ट होगा वो ही बनाएगा अपने से, तो इतना वो ऐसे मैं एक सॉफ्ट कॉपी कॉपी पे बनवा लिखे के। मैं एक कॉपी पे लिखे गुरु नरेंद्र भाई को कोरिया कर दूं। हाँ वो भी कर लो, लेकिन पहले उसकी फॉर्मेटिंग जरूरी है, उसको एक सॉफ्ट कॉपी का रूप देना जरूरी है। सॉफ्ट कॉपी पहले आप करो, फिर उसको शेयर करो, फिर उसमें कुछ एक सुधार होंगे, क्योंकि जो लिखा है कहीं कहीं उसको सुधार कर सकता है कोई ना कोई जो है, तो पूरा एक्यूरेटली जब हो जाएगा फिर उसको प्रिंट में डालेंगे। तो पहले तो सॉफ्ट कॉपी एक प्रिपेयर होनी ज़रूरी है ना। हम्म,
नहीं, पर इन्होंने लिखा है ना राशि भाई, तो जो लिखता है उसकी लय वो चंद और स्वतः इन्होंने जैसे गा लिया है ना, ये खुद ही चेंज करेंगी, यहाँ कोई दूसरा नहीं कर सकता। मतलब एक बार हो जाएगा ना, तो ये जब पढ़ेंगी ना तो उसमें खुद सुधार कर सकती है। वो तो बुक में लिखेंगे तो ऊपर उसकी लिखी जाएगी ना कि तर्ज भी क्या है, तो आदमी गा सकता है उसको। तो पहले पहले सॉफ्ट कॉपी प्रिपेयर करके एक बार उसको फाइन कर लो, फिर छपाना, क्योंकि 1000 कॉपी एक बार छप जाती है, फिर छप गई ना, वो तो छप गई तो छप गई। सॉफ्ट कॉपी में तो हम थोड़े परिवर्तन करने होंगे तो कर सकते हैं ना। वो तो प्रूफ चेक होगा ना राशि भाई, वो तो प्रूफ चेक होगा। सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी बनेगी, उसका पूरा डिटेल बनेगा, उसका मैं पीडीएफ बनवा के आपको उपला बहन को भेज दूंगा, फिर वो चेक कर लेंगे, फिर उसमें करेक्शन होगा, करेक्शन पूरा ठीक हो जाएगा, फिर करेक्शन रिपेयर होगा, और उसके बाद वापस प्रिंट आएगी, सॉफ्ट कॉपी आएगी, वो फिर वापस हम वापस रीचेक करेंगे, उसमें कोई गड़बड़ है तो उसमें वापस हम करेक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद प्रिंट पे जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत पहले इनको बोला था उसको लिखो कहीं, और लिख के एटलीस्ट उसको एक फॉर्मेट तो करो, सॉफ्ट कॉपी कुछ तो फॉर्मेट करके रखो, तो इन्होंने मेरी बात मानी नहीं। उस समय कल से ही करती हूँ ये काम, क्योंकि मैं भी क्या करूँ, हर दिन ये भजन लिख देती हूँ। हाँ अभी तो वो लय भी चल रही है ना आपकी, अच्छी लय लगी हुई है इस समय तो। एक तो आज भी लिख दिया था, आज भी बढ़िया था, वो भी बहुत बढ़िया था, भेजा था बहुत बढ़िया था वो, सभी सभी के लिए घर घर की कहानी थी वो। हाँ बहुत बढ़िया था वो, बहुत घर घर की कहानी। हाँ और मुझे मुझे कुरियर करने की भी जरूरत नहीं है, अगर उनका क्लियर फोटो खींच के मुझे भेज देते हैं तो हाँ। मैं उसका प्रिंट प्रिंट भी निकलवा दूंगा, स्कैन स्कैन करके, स्कैन करके भेज दो। ठीक 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 है, मैं ना फेर पे उतार के फिर मैं फोटो भेजती हूँ आपके पास, स्कैन करके। अक्षर जैसे हिंदी के है ना, तो थोड़ा ये शुद्ध वर्णी में हो, वर्ण में हो तो जैसे, तो थोड़ा उसमें मिस्टेक कम होगी, वैसे तो वापस आपके पास आएगी, फिर आप चेक करेंगे, उसके बाद ही प्रिंट पे जाएगा, तो ये मैंने कहा करवा देते, बढ़िया रहेगा। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ हर आदमी के पास पहुंचे, कम से कम कोई गा तो सके, गुरुदेव को सुनाए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे भी एक टेस्टिमोनी, एक एज ए साधक की टेस्टिमोनी रहती है। बहुत सारे साधक कविताएं लिखते हैं, उनको तो सुनने वाले मिल जाते हैं बहुत, लेकिन कुछ कई बार क्या होता है कि कोई साधक बहुत अच्छा लिखता है तो वो सब तक पहुंचता नहीं, तो ये एक तरह की साधक की अवस्था है। ये कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बंदा लिख रहा है, ये एक अवस्था को बताने वाली बात है कि एक साधक है जो ऐसा भी लिखने लग जाता है, ऐसे भजन लिखने लग जाता है, तो वो प्रेरणा रूप से एक साधक की स्मृति रहनी चाहिए बाकी साधकों के लिए कि ऐसा होता है, इस रूप में जरूर वो होनी चाहिए, एक टेस्टिमोनी जरूर होनी चाहिए। तो आप करो ये काम, भेजो इनको, भेज दो, अगर नरहरी भाई करवाते हैं कहीं से करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा। हाँ, मैं कल से करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, भूल मत कल से फेर पे लिख लिख के नरहरी भाई को। हाँ बहुत बढ़िया, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। सीमांचल बदात्या जी कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, कह रहे हैं राजशिव गुरु भाई मैं सिद्ध योग छोड़ दिया गुरु भाई, 1 महीना हो गया, मेरे से छूट गया, मैं पापी आदमी हूँ गुरु भाई, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ गुरु भाई। तो ये कह रहे हैं कि ये पता क्या चक्कर है सीमांचल जी, ये ये तो बहुत अच्छा अनुभव है सिद्धयोग में। सिद्धयोग में सारी, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिद्धयोग बहुत स्वीट जर्नी नहीं है, सिद्धयोग में मज़े नहीं आते ज़्यादातर, जब बदलाव आते हैं ना तब बहुत मुश्किल जीवन में खड़ी हो जाती है, आनंद वाली बात तो बहुत कम होती है। आनंद वाली बात आज बात करेंगे कि आनंद क्या है, लेकिन उससे पहले जो यात्रा है, जब मेजर चेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर में, जब सिद्धयोग रियली आपको संवारता है, एक मूर्ति को आकार देना शुरू करता है, तो जहाँ पर वो ठोकर लगती है ना, वहाँ पर जब आकार अंकुरित होता है, उससे पहले बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि मन पूरा विच्छेद हो जाता है, तकलीफ़ में आ जाता है, मतलब साधक इस चीज़ को समझता नहीं शुरू में। सीमांचल भाई आप ज़रूर सुने इस बात को ध्यान से,
हमारी जो यात्रा है सिद्ध योग की, ये अपनी साक्षात्कार की यात्रा है, ठीक है। अब आपने बहुत सारे जन्म लिए, हमने सबने बहुत सारे जन्म लिए, और बहुत कुछ हमने ऐसा किया हुआ है जिसे हम जिसका हम सामना नहीं कर सकते। आज हम साधक हैं तो हमारी वृत्ति जो है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, कि हम भगवान का नाम लें, गुरु का ध्यान करें, अच्छा जीवन व्यतीत करें, ये आज की स्थिति है हमारी। लेकिन इससे पहले जितने भी हमने जन्म लिए हैं या जितना भी कुछ किए हैं, सब में हमारी स्थिति एक जैसी नहीं थी। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिसका आज अगर हमारे सामने मैं खुद आ जाऊं, पुराने समय का मैं खुद मेरे सामने आ जाऊं, तो मुझे बड़ी गिलानी होगी, बड़ी घृणा होगी कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या किया। इसी तरह से हमारे जीवन में जब हम कोई कर्म ऐसा कर देते हैं या हमसे हो जाता है, तब हमें उसकी गिल्ट बैठ जाती है, गिलानी, घृणा हमारे हृदय में अपने ही लिए बैठ जाती है। अब वो घृणा जो है हमारे सामने बार बार आती है, जब भी हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो वो घृणा, ग्लानी जो होती है वो हमारे बेड़ियाँ बन जाती है, हमने ही हम ही बनाते हैं उसको बेड़ियाँ, तो हमें नीचे खींचती है। तो सिद्ध योग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक जगह ऐसी आती है जहाँ हमारा सामना हमारे ही गिल्ट से होता है, यानी कि हमारे अपने पाप कर्मों से होता है। हमने पाप किया है कि नहीं किया है, ये बड़ी बात ये नहीं है कि हमने किया है पाप या नहीं किया, वो विषय नहीं होता। हमारे मन में होता है कि मैंने गलत किया है या मैंने कुछ अधर्म कर दिया है या मैंने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सही चीज़ नहीं है। अब जब ये गिलानी और गिल्ट पैदा होती है, तब मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। जो यात्रा है वो है अपने आप को क्षमा करना, अपने आप पे दया करके उस बेड़ी को खोल देना। लेकिन होता उल्टा है, जब वो गिल्ट सामने आता है, जब वो घृणा सामने आती है, तो वो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने आप को माफ़ नहीं करते, हम आप अपने आप को दया नहीं दिखाते अपने आप पे, बल्कि हम अपने ऊपर इल्ज़ाम, आरोप, प्रत्यारोप लगा के अपने आप को और घृणित और सजा देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम और दयनीय अवस्था में चले जाते हैं। तो जो काम है बेड़ी का नीचे खींचने का, वो काम उसका सक्सेसफुल हो जाता है नीचे खींचने में, क्योंकि उसका काम वही था कि हमारे अंदर आत्मग्लानि भर दे और हम जिस यात्रा पर जा रहे हैं उसको छोड़ दें या उससे रुक जाएं और अपने आप को घृणित समझने लग जाएं। अब ये तो एक है, ये आत्म साक्षात्कार का एक छोटी सी चीज़ है। ये आपका जो जीवन स्पैन है, कितने साल के, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल का जो जीवन स्पैन है, इसमें आपकी गिलानी आपको दिखा दी। 100 साल का चलो मान लेते हैं, 100 साल के आप हो, 100 साल की ज़िंदगी आपने जी है अभी तक, और उसमें आपकी गिलानी आपके सामने आ गई जिससे आप डाउन हो गए, अपने आप को आपने आरोपी घोषित कर दिया। अब बात ये है कि आपका ये जन्म 100 ईयर्स का है, इससे पहले जो जन्म लिए हैं उन सारे स्पैन्स को अगर आप इकट्ठा करो तो उसमें जो ये गिलानी वाली जो बात है, ऐसी हजारों गिलानियाँ हैं, लाखों गिलानियाँ हैं जो आपने की हैं। अगर नहीं की होती तो अब तक तो निकल लिए होते, मोक्ष वोक्ष हो गया होता, बढ़िया होते, लेकिन वो है, वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो एक, आप उन सबको देख नहीं सकते, ना ही आप उन सबको विटनेस कर सकते हो, ना ही उनका इंसाफ कर सकते हो, ना ही उनके हिसाब से अपने आप को सजा दे सकते हो। आप सिर्फ आज की बात पे ही अपने आप को सजा दे सकते हो, क्योंकि ये आप जानते हो, वो आप जानते नहीं हो। तो सूक्ष्म रूप में जब ये सामने आती है ये चीज़, तो एक्चुअल में यहाँ से अगर आप निकल जाओ, जो आपको पता है, जो आप देख रहे हो, जिस कारण आप फंस गए हो, उसको देख लो, वहाँ पर अपने आप को उस चीज़ से मुक्त कर लो, ये कहकर कि गुरुदेव ने मुझे कहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं अगर अपने गुरु को समर्पित हो जाऊँ तो उसने कहा है कि मुझे सब पापों से मुक्त कर देगा, मुझे सब धर्मों से मुक्त कर देगा। तो ये बात अगर उसे समझ में आ जाए कि ये जो यात्रा उसने शुरू की है, ये उस व्यक्ति की नहीं है जिसने वो कर्म किया है, जिसने वो आत्म गिलानी वाला काम किया है, जिसने वो घृणा वाला काम किया है, जिसने वो पाप कर्म किया है, और जो व्यक्ति अब ये यात्रा कर रहा है वो एक नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है, साधक है, साधना कर रहा है, वो आत्म है। आत्म अगर रूप में आप हो तो अपने चित्त और शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों की सजा आत्मा को नहीं दी जा सकती,
तो अगर आप ये समझते हो कि आप सच में आध्यात्मिक और आत्मा की यात्रा कर रहे हो, तो आपने आज तक कोई कर्म किया ही नहीं, क्योंकि आत्मा सदैव से निर्लिप्त रहती है। वो कभी कोई उसने कार्य नहीं किया, आत्मा कभी कुछ नहीं करती। आत्मा तो एक प्रेरणा, एक सिर्फ शक्ति स्वरूप है, एक पुंज है शक्ति का। वो तो ड्राइविंग फोर्स है, वो तो पेट्रोल है। गाड़ी को पहाड़ में गिराओ, छत पे गिराओ, नदी में गिराओ, या रोड पे चलाओ, उससे एम्बुलेंस चलाओ या उससे ट्रक चलाओ, उस पेट्रोल को फर्क नहीं पड़ता। आत्मा भी वैसा ही शक्ति पुंज है, वो शरीर में है। इस शरीर से किए गए कर्म जो चित्त में संचलित होते हैं, उनका आंकलन होता है। उनके कर्मों का लेखा जोखा, गिलानी, गिल्ट, अच्छी बात, बुरी बात, सद्भाव या जो भी कुछ है, सब कर्म जो हैं, जितने भी हैं, अच्छे बुरे, स्वर्ग नरक जो है, वो शरीर से किए हुए कर्म, भाव से किए हुए कर्म, शरीर में रहकर शरीर ही जीव भोगता है, आत्मा नहीं भोगती। आत्मा ना भोगता है ना करता है। अगर आप ये यात्रा कर रहे हो और आपके सामने ये सारी चीज़ें आई हैं, तो ये बड़ी बहुत ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ग्लानि जब प्रकट होती है, ये ग्लानि ही अलग करती है आत्मा को और शरीर को। यहाँ पर साधक को ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं जिस भाव की ग्लानि लेके बैठा हूँ, मेरी, मैं तो वो हूँ ही नहीं। यही वो समय है जब वो अपने सारे पापों से मुक्त होने के लिए अपने आप को स्थापित करता है। आत्म रूप में स्थापन करने के लिए गिलानी और गिल्ट का आना महत्वपूर्ण पॉइंट है साधना में। कोई व्यक्ति अगर साधना नहीं कर रहा, उसके जीवन में गिलानी और गिल्ट आ जाए, तो वो गया काम से, गया वो काम से। लेकिन साधक के जीवन में गिलानी और गिल्ट आ जाए, तो इसका अर्थ ये है कि अब उसे ये समझने का समय आ गया है कि जितने भी कर्म उसने आज तक किए हैं, उन कर्मों से मुक्ति पाने का समय तब शुरू होगा जब उसे ये ज्ञान प्राप्त होगा कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, और कोई भी कर्म में वो कभी भी लिप्त था ही नहीं। तो सिमांचल बदात्या जी, आत्म रूप से आपके लिए सामने ज्ञान पड़ा हुआ है। ये आइडेंटिफिकेशन का समय है कि मैं कौन हूं। अगर मैं पापी हूं, तो आप शरीर ही हो अभी तक। अब यहां से चेतना अपनी शिफ्ट करो कि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा पापी नहीं होती। आत्मा तो मुक्त है, परमात्मा का पुंज है, तो आत्मा हमेशा निर्लिप्त है। ठीक है, लोग आपको गालियां दें, लोग आपको कुछ भी कहें, अच्छा कहें, बुरा कहें, भला कहें, तो वो उस शरीर से जुड़ी हुई चीज को संबोधित कर रहे हैं। आप उसको धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप उस धारणा में नहीं हो। अब आप आत्म की धारणा में हो, तो गिल्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, अंधकार आएगा, निराशा आ सकती है, और भी बहुत सारे कर्म आपके सामने प्रकट होके आपको नीच होने की संज्ञा दिलवाएंगे, नीच होने का आभास दिलवाएंगे, गिल्ट करवाएंगे, आपको कहेंगे कि तू तो नहीं है, इस काबिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारी चीज़ें आक्रमण आप पे जब करने लगी, तो आपको ये समझना है कि ये आक्रमण आप पे नहीं है, चित्त पे है। यहाँ से निकलना आसान हो जाता है, यात्रा आसान हो जाएगी, अगर यहाँ पर आपको गुरुदेव के वचन याद आ जाए कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा आप लेकिन जानते नहीं हो। बस ये जानने का समय आ गया है। इसीलिए ऐसे जीवन में परिस्थितियों को वेलकम करना चाहिए। सिद्ध योग में एक बार जो व्यक्ति आ गया, जिस पे गुरु कृपा हो गई, उसकी धुलाई शुरू हो गई, उसकी धुलाई शुरू होगी। धुलाई का अर्थ तो समझते ही आप, ये तो कोई कोई प्यार वाला काम तो है नहीं। धुलाई बड़े आराम से हो या धुलाई बड़ी सुखद हो, धुलाई कभी सुखद नहीं होती। धुलाई बड़ी कष्टकारी होती है, और कष्टकारी समय ही बदलाव का समय है, कष्टकारी समय ही अपने आप को स्थापित करने का समय है। इसीलिए आप बिल्कुल भी ये इस भाव में नहीं रहना, बल्कि इस भाव में आप गुरुदेव को प्रणाम करो, उनके चरणों को नमन करो, और श्रद्धा के अश्रु बहने चाहिए कि उन्होंने आपको इस स्थिति पे खड़ा किया लाके, कि आज आपको आत्म रूप का ज्ञान होने के जगह पे हो, कि आप आत्मा हो, आज आप सारे गिल्टों से मुक्त होने के लिए तैयार हो। अब आपको स्थापित करना है अपने आप को आत्म रूप में, अपने आप को मुक्त करना है, अपने आप को क्षमा करना है, अपने पर दया करनी है। ना तो आप पे कोई दया करेगा, ना आपको कोई क्षमा कर सकता। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। हमने अगर किसी को क्षमा करना है, हमने अगर किसी पर दया करनी है, तो हम नहीं कर सकते उस पर दया और क्षमा। दया और क्षमा खुद के विषय है, दूसरे पे दया क्षमा विषय ही नहीं है।
मैं किसी पे दया करूं क्षमा करूं तो अहंकार है, मैं खुद को क्षमा और दया करूं तही वो काम करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। जिस दिन मैंने अपने आप को क्षमा कर दिया, अपने आप को छोड़ दिया, उस दिन मैं छूट जाऊंगा। जिस दिन मैंने अपने पर दया कर दी, जिस दिन मैंने अपने आप को देखना है, ये पूरी तीसरी आंख अंदर खुलती है। साफ बात है गुरुदेव की, इसको समझने वाली बात है कि बाकी सब बाहर देखती हैं, लोगों को देखती हैं, शरीर को देखती हैं, कर्मों को देखती हैं, तीसरी आंख अंदर खुद को देखती है। ये आंखें बंद हुई और ये खुली, इसका अर्थ ये है कि तब मैं ही बचा, आत्मा ही बचा। शरीर के रूपी ये इंद्रियां फील करती हैं, मैं गिल्ट हूँ, मैंने ये किया, छोड़ दिया, नाम नहीं लिया, ध्यान नहीं किया, मैं पापी हूँ, टापी हूँ, सापी हूँ, जो भी है, वो सारा ये शरीर की इंद्रियों द्वारा महसूस करने वाली बाहरी अनुभूतियां हैं, बाहरी कर्म है। तीसरी आंख अंदर देखती है आत्मा की तरफ, वो इस चीज़ की रियलाइजेशन करवाती है कि तू जो देख रहा था वो चित्त है, जिस कर्म को देख रहा था वो चित्त का है, शरीर का है, तूने जो नहीं किया, जो किया वो शरीर ने किया। तू अगर आत्म रूप में स्थापित होना चाहता है, आत्म को देखता है, तो तू निर्लिप्त है और तुझ पे गुरु की कृपा हो गई। अगर तेरे जीवन में गुरु है, आत्मा और गुरु का यही संबंध है। बहुत जरूरी बात मैं आपको बताता हूँ, सिद्ध योग में जो सफलता है वो दोनों की प्योरिटी पे डिपेंड करती है, गुरु और शिष्य की दोनों की प्योरिटी पे डिपेंड करती है। गुरु तो पहले ही आत्म स्वरूप होता है, निराकार तत्व का साकार रूप में प्रकट होता है, वो शरीर रूपी गुरु जो दिखता है, उसके अंदर जो तत्व होता है वो हमेशा से प्योर होता है, उसको और प्योरिटी की जरूरत नहीं होती। अगर वो प्योर सच्चा गुरु है तो वो प्योर है ऑलरेडी। और आप ये जानते हो कि रामलाल जी सियाग जो हैं आपके गुरुदेव, वो प्योर है पूरे, ठीक है। अब आपकी यात्रा एक तरफ से तो क्लियर कर दी गुरुदेव की, अब ये यात्रा तभी चलेगी जब शिष्य भी प्योर हो जाए। इसका अर्थ है कि जब शिष्य भी आत्म स्वरूप में स्थापित हो जाए, तब दोनों का मिलन होके ही यात्रा हो सकती है, नहीं तो यात्रा हो नहीं सकती। जब तक ये नहीं होता, तब तक दोनों एक स्वरूप नहीं होते, तब तक वो एक ही गाड़ी के पहिए नहीं बन सकते। एक गाड़ी का पहिया ऊंचा एक नीचा नहीं चल सकता, दोनों को समान रूप होना पड़ेगा, तभी वो गाड़ी चल सकेगी। तो आध्यात्मिक यात्रा जो गुरु हाथ पकड़ के कराता है, वो शरीर को नहीं कराता, वो आत्म को करवाता है, आत्म की उन्नति करवाता है, क्योंकि वो स्वयं परमात्म रूप है, ठीक है। अब मेरी बात और ध्यान से सुनना, जो साधक माया रूप में फंसे होते हैं और जो साधक आत्म रूप में स्थापित होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दृष्टिकोण। इस शरीर का दृष्टिकोण है, एक पुरुष, एक स्त्री, एक व्यक्ति विशेष का दृष्टिकोण होता है दूसरी की वजह से, ठीक है। अब देखो, जो आध्यात्मिक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा परिवर्तन जब महसूस होता है तो क्या कहते हैं, माया, ये माया है, ये विश्व माया है, ये जगत माया है और हम माया के अधीन है, ठीक है। जब तक कोई साधक, कोई साधिका किसी दूसरे साधक या साधिका को माया के किसी भी रूप से देखने या तुलना करने के स्थिति में रहता है, तब तक वो स्वयं खुद माया के आवेश में रहता, उसको मालूम नहीं रहता। सोचो, मैं वैसे ये टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये क्योंकि एग्जाम्पल देना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं गुरु बहन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक गुरु बहन ने कहा कि राजशिव ने टी शर्ट से बिजनेस किया, नरहरि भाई ने जो हमें बताया था, जिन्होंने भी कहा, मैं उस हिसाब से टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ बस, क्योंकि जो उन्होंने किया वो मैंने भी किया है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। आज डिफरेंस महसूस कर रहा हूँ गुरु कृपा से, तो समझ के कर रहा हूँ। तो सबकी प्योरिटी, सबकी फिल्ट्रेशन होती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझो, माया में फंसा हुआ साधक माया से ही, माया के आवरण से ही दूसरे साधक को माया में फंसा हुआ जानकर उसकी निंदा या उसकी प्रशंसा करता है। निंदा और प्रशंसा ये दोनों माया का विषय है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करता है कि तू अच्छा कर रहा है, तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, या जो भी कर रहा है, तो करना कराना भी माया का विषय है, तो ये भी माया के अधीन है। वो साधक जो कह रहा है और वो साधक जो कर रहा है और समझ रहा है कि कर रहा है, ये दोनों माया के अधीन है, ठीक है। ये आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा नहीं है।
आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान का विषय नहीं है, ये माया का विषय है, माया में फंसे होने का साफ साफ है। अब दूसरा व्यक्ति कह दे कि पैसे के लिए किसी व्यक्ति विशेष ने ये कार्य किया है, इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति की दृष्टि में पैसा महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति को लगता है कि पैसा कमाया जा सकता है या पैसा कमा रहा है, तो वो व्यक्ति साधक की भावना को छोड़कर बल्कि पैसे से टिप्पणी करता। हो सकता है कि कोई व्यक्ति पैसे के लिए यह कार्य कर सकता है, करने दो, लेकिन मैं अगर टिप्पणी इस रूप से देखता हूँ उसको, गुरु कार्य को, मैं अपनी दृष्टिकोण में माया के हिसाब से हाँ माया में है, ये है वो है, तो ये व्यवहार माया के अंतर्गत होने के कारण, माया के आवरण होने के कारण आदमी वहाँ फंसा हुआ है। इस तरह से जितने भी साधक प्रशंसा और निंदा करते हैं या करने का विषय में अपना इंटरेस्ट देते हैं या उस क्रियाकलाप में अपनी हामी भर के आते हैं, वो माया के आवरण में रहते हैं। ये आवरण गिल्ट भी प्रस्तुत करता है, ये आवरण आनंद भी प्रस्तुत करता है, प्रशंसा भी करता है और निकालता भी है, छोड़ता भी है, सब तरह के व्यवहार ये आवरण ही करता है। साधक के जीवन में जब स्वयं के प्रति घृणा प्राप्त हो जाए, स्वयं के प्रति निंदा हो जाए और वो वहाँ से गिल्ट में चला जाए, तब उसके लिए बहुत बड़ा ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि अब तू समझ जा कि तू माया से बाहर निकल जा। जो भी गिल्ट है, जो भी तू अपने लिए समझ रहा है, वो माया का हिस्सा है, तू शुद्ध आत्मन है। वहाँ से मेंटल टेंशन ख़त्म होनी शुरू होनी चाहिए, बशर्ते कि तुम अपने आप को स्थापित करो कि मैं शुद्ध आत्मन हूँ। तुम ही निकल सकते हो उस जाल से, बस तुम्हें उस बात का ज्ञान होना चाहिए। और वो ज्ञान तभी होता है जब आदमी ठोकर खा के गिरता है कि यहाँ पर पत्थर है। तो साधना में जब जब कठिन समय आता है तब तब ही प्रगति होती है, समाधि ऐसे नहीं लगती। समाधि का विषय बहुत गंभीर है, बहुत दुखद है, बहुत गंभीर है, तो वो ऐसे नहीं घटित होती, वो बहुत धीरे 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 घटित होती है। हर अवस्था में हर चीज़ के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप होते हैं। सबसे पहले हम स्थूल रूप को देखते हैं, गुरु रूप को देखते हैं, स्थूल शरीर को देखते हैं, तो हमारे मन में तर्क वितर्क आते हैं, तर्क वितर्कों से मुक्ति होके विचार आते हैं, विचार से मुक्त होके आनंद आता है, आनंद से मुक्त होके, मुक्त नहीं होते क्योंकि आनंद में भी अहंकार रहता है, ठीक है। ये अवस्थाएं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी जुड़ी हुई हैं। गुरु भाई ने प्रश्न पूछा कि समाधि, निर्विचार समाधि क्या है, तो ये जितना भी प्रोसेस है, ये सारा का सारा प्रोसेस घटित होना ज़रूरी है। आनंदमयी कुछ नहीं है, आनंदमयी स्वयं अहंकार है, आनंद स्वयं अहंकार में डूबा हुआ है, इसीलिए वो लास्ट श्रेणी नहीं है। आनंदमय कोष नीचे है, पांच कोष, ये जगत पांच कोषों को एक्सप्लेन करता है, जिसमें ऊपर का कोष उनके लिए आनंदमय कोष है। गुरुदेव सात कोषों की बात करते हैं, तो जगत जिन पांच कोषों की बात करता है वो माया के अधीन है, तो आनंद भी अस्मिता के अधीन है, यानी कि अहंकार के अधीन है। सूक्ष्म रूप से मैं आनंद में हूँ, ये भी अहंकार है, क्योंकि मैं आनंद में हूँ, ये मैं आनंद में होने के कारण इसमें अस्मिता रहती है। आनंद से भी निकलना हो उसके बाद, यानी कि अहंकार से निकलना है कि मुझे ये स्थिति नहीं चाहिए, मैं अहंकार नहीं बनना चाहता, तब निकलते हैं। फिर चित्त, प्योर चित्त की बात आती है, और समाधि ना तो आनंदमय कोष में घटती है, ना विज्ञानमय कोष में घटती है, ना मनोमय कोष में घटती है, ना प्राणमय कोष में घटती है, ना स्थूल में घटती है। समाधि चित्तमय कोष में घटती है। चित्त में तब घटती है समाधि, तब घटित होती है जब वो पूर्ण रूप से शुद्ध चेतना को प्रस्तुत करे। समाधि तब घटती है जब पूर्ण रूप से बुद्धि का त्याग होके प्रज्ञा को धारण कर किया जाए। प्रज्ञा एक ऐसा आवरण है जो जगत बुद्धि पर नहीं पड़ता जब तक वो शून्य न हो जाए। तो जब तक प्रज्ञा स्थापित नहीं होती तब तक समिता नहीं स्थापित होती, असमिता गायब नहीं होती। असमिता गायब हो जाती है, अहंकार आनंद के साथ निकल जाता है, असमिता से अहंकार निकल गया तो समिता हो जाती है, समिता से ही संभाव प्रकट होता है और संभाव से ही
प्रज्ञा प्रकट होती है, और संभाव और प्रज्ञा दोनों होने से संप्रज्ञात समाधि घटित होती है जो प्योर चित्त में घटित होती है। और ये अवस्था बहुत लंबे समय तक चलती है क्योंकि ये शुद्धिकरण की अवस्था है। यहाँ पर सब दबे के बार बार उठते हैं और साधक अपनी प्रज्ञा से, अपने ज्ञान से उन उठे हुए वितर्कों को, विचार को, अस्मिता को, अलग अलग मन की तरंगों को, इंद्रियाओं को, मन को, व्यक्ति विशेष में जो भी घटना घटती है उसको बार बार दबाता है। इस दबाने का अभ्यास कई वर्षों तक चलता है। जब चलते 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 अभ्यास इतना अच्छा हो जाता है कि सारी चीज़ें दब जाती हैं, तब असल में संप्रज्ञात समाधि लंबे समय के लिए घटित होगी। और फिर वो समाधि की अवस्था में काम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर एक समय आता है जब उसको प्रज्ञा का त्याग करना होता है। ज्ञान अगर धारण हो जाए तो उसका त्याग करना मुश्किल हो जाता है, उसका त्याग करना नहीं चाहते। दुनिया के सारे रहस्य जानने हैं, अपने आप को जानना है, चक्रों के बारे में जानना है, लय जाननी है, ये जानना है, वो जानना है, बहुत सारे प्रश्न प्रज्ञा का त्याग करने ही नहीं देते। लेकिन जब उसे पता चल जाए कि गुरु और ज्ञान दोनों में से किसी एक को चूज़ करने की अवस्था में आ जाए और गुरु का चयन हो जाए, तब उसका असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करने का समय है। क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में सम और प्रज्ञा दोनों नहीं है। तो जब ज्ञान का भी विलय हो जाएगा तब आप रियल असंप्रज्ञात समाधि, निर्विचार, जो ब्लास्ट समाधि है, निर्बीज समाधि में जब जाओगे तब आपको पता चलेगा जिसका आपने त्याग किया है वो ज्ञान तो अंश मात्र है। लेकिन निर्बीज समाधि में जब जाओगे तब संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य प्राप्त होगा। फिर पता चलेगा कि जो त्याग किया वो अच्छा ही किया, लेकिन उस त्याग को करने में बड़ा समय लग जाएगा क्योंकि पता नहीं चलेगा कि रहस्य जो प्राप्त हो रहे हैं, जो आत्म के रहस्य है, वो कैसे छोड़े, आत्मा का प्राप्त होने वाला ज्ञान कैसे छोड़ें। नहीं छूटता है, छूटना भी नहीं चाहिए। जब तक संसारिक विषय, शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों चीज़ों की परिपक्वता नहीं आ जाती, तीनों की पूर्ण रूप से समझ नहीं आ जाती, विषय की समझ नहीं आती, इंद्रियों की, प्राणों की, ये सारी यात्रा पूरी नहीं होती, तब तक उस ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्योंकि वो ब्रह्मांड का ज्ञान आपको इस अवस्था में नहीं प्राप्त होगा, बल्कि प्रज्ञा आपको प्राप्त हो जाएगी। ये अंश मात्र ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, उस अंश मात्र ज्ञान से ही सारी शुद्धिकरण होता है, बिना ज्ञान के नहीं होता। और ज्ञान का त्याग भी गुरुदेव आपको करवाएंगे, वो भी ज्ञान के माध्यम से ही होगा। क्योंकि ज्ञान का त्याग करने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए कि मुझे इसका त्याग करना है। लालच ज्ञान में रहता है, ज्ञान में भी फिर अहंकार ही रहता है, इसीलिए उसमें त्रुटि रहती है, इसीलिए वो अंश मात्र है, इसीलिए उसका त्याग ज़रूरी है। लेकिन ये वो ज्ञान नहीं है जो संपूर्ण ज्ञान है। वो आपको कब मिलेगा? जब आप में विवेक ख्याति की अवस्था आ जाएगी। विवेक ख्याति कौन सी अवस्था है? विवेकानंद की जो अवस्था है। अभी कौन सी अवस्था है? प्रज्ञावान हो आप। प्रज्ञावान से सारे रहस्य जाने जा सकते हैं, आपके रिलेटेड, संसार के विषय से रिलेटेड, जगत और माया से रिलेटेड सारा ज्ञान आपको प्रज्ञावान होकर मिल जाएगा। संप्रज्ञात समाधि चलती है, उसमें मिलता रहेगा। लेकिन जगत का ज्ञान पाने के लिए प्रज्ञावान से विवेकवान होना ज़रूरी है। और जब विवेकवान होने की समय आ जाएगा तब वो प्रकट होगी विवेक ख्याति आपको, और उसमें आपको उस त्याग का मालूम होगा। और फिर जब आप आगे बढ़ोगे और फिर वहाँ से बाहर आओगे तब आप विवेकानंद होके आओगे। जो विवेकानंद ने कहा था मुझे 100 विवेकानंद चाहिए, वो आप बनोगे, लेकिन तब जब विवेक ख्याति तक पहुँचोगे। लेकिन विवेक ख्याति तक पहुँचने के लिए कौन सा था, प्रज्ञावान की यात्रा जरूरी है। प्रज्ञावान की यात्रा करने के लिए अपने आप को आत्म रूप में स्थापित करना जरूरी है। अपने आप को आत्म रूप से स्थापित करने के लिए अपने ऊपर दया और क्षमा का भाव अपने प्रति होना जरूरी है। अपने प्रति दया और क्षमा का भाव प्रकट करने से पहले अपने को और दूसरों को माया की तुलना में तुलनात्मक दृष्टि से देखना छोड़ना होगा। जब तक बाहर देखोगे
तब तक अंदर नहीं, जब तक अंदर नहीं तब तक दया क्षमा नहीं, जब तक दया क्षमा नहीं तब तक संभाव नहीं, जब तक संभाव नहीं तब तक प्रज्ञा नहीं, जब प्रज्ञा नहीं तो प्रज्ञावान नहीं, प्रज्ञावान नहीं तो विवेक ख्याति नहीं, विवेक ख्याति नहीं तो विवेकवान नहीं, विवेकवान नहीं तो विवेकानंद नहीं, विवेकानंद नहीं तो मुक्ति नहीं। ये किसी स्पेशल विवेकानंद की बात मैं नहीं कर रहा, ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो 100 विवेकानंद की बात कर रहा हूँ जो उसको चाहिए थे लेकिन उसको नहीं मिले। ये प्रोसेस है, लेकिन हम अभी कहाँ हैं, मैं पापी हूँ तो अभी तो दया का भाव भी नहीं प्रकट हुआ अपने प्रति। हम जब अपने पे दया नहीं कर सकते तो दूसरों पे दया क्या करेंगे। भूख लगती है तो पहले खुद खाते हैं, खुद अगर बहुत प्यास भूख लगी हो और 10 मील पहुँचाना हो तो थोड़ा पानी पीना, खाना खाना ज़रूरी है ना, तभी तो काम होगा। जब अपने पे दया नहीं कर सकते तो दूसरों पे दया करने का ढोंग नहीं करना चाहिए। जब तक अपनी निंदा नहीं करते तब तक दूसरे की निंदा करके महान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब तक खुद माया से मुक्त नहीं हुए तब तक दूसरे को माया से ग्रसित होने का दोषी का आरोप लगाना भी माया से ग्रसित होना ही है। ठीक है जी, तो सीमांचल भाई आपको मुबारक हो कि आपको ये मौका मिला है कि अपनी आत्मा की तरफ देखें और अपने आप को क्षमा करें, और जो भी कर्म हुआ है वो चित्त के अधीन है। ठीक है, अच्छा चलिए, होप कि ये थोड़ी सी जानकारी जो है ये लाभप्रद होगी। तो सीमांचल भाई कह रहे हैं शुक्रिया गुरुदेव का, ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं है कि अध्यात्म के मार्ग पर आपको कोई ज्ञान दे या कुछ भी करे। ठीक है, आप जब गुरु का नाम लेके बैठे, गुरु का हाथ पकड़ा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गुरु की बनती है 100% कि वो आपको उस जगह से निकाले, उस भ्रम से निकाले, उस स्थिति से निकाले, उस कष्ट से निकाले, ये उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा अगर ये कार्य कोई व्यक्ति विशेष करता है, अगर आपको लगे कि आपको किसी व्यक्ति विशेष ने निकाल लिया, जो गुरु का कार्य था वो किसी और ने कर दिया तो बंटाधार, तो ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु की बनती है। और अगर गुरु समय पे नहीं पहुंचा और शिष्य उसका श्रेय किसी और को दे दे तो गुरु कहे, गुरु गुरु के लिए गुरु भी पूर्ण नहीं हुआ, गुरु भी सही नहीं हुआ। फिर वो जो समय पे ही ना पहुंचे, अपने शिष्य का मार्गदर्शन ही ना करे किसी माध्यम से, वो कैसा गुरु। और जो शिष्य हर मार्गदर्शन को अपने गुरु का मार्गदर्शन ना समझे, किसी व्यक्ति विशेष का समझ ले, वो शिष्य ही क्या। क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि अब दुनिया में मैं अकेला हूँ और कहीं से भी रोशनी मेरे तक पहुँचे तो वो मेरे गुरु के कारण ही पहुँच सकती है, उसके अलावा नहीं पहुँच सकती। क्योंकि जिस पथ पे आप चल गए हो ना, जिस पथ पे आपको चलाया गया है, वो जिसने चलाया है ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसने कहा भी है आगे की ड्यूटी मेरी। ठीक है, तो हमेशा धन्यवाद श्री गुरुदेव का ही करना चाहिए और उन्हीं की फोटो से बात करना चाहिए हमेशा। अच्छा, कोई कुछ कह रहा था। जय गुरुदेव गुरु भाई। कौन है? गुंजन सिंह जी। गुंजन। हाँ जी गुंजन जी, सुबोध के घर से है ना, सुबोध जी की पत्नी है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी गुंजन जी। गुरु भाई मैंने आपसे प्रश्न पूछा था ना जो। हाँ जी, क्या प्रश्न था? साक्षात गुरुदेव ने आके मुझे समझाया था। क्या प्रश्न था आपका? मेरा प्रश्न था ना कि मैं, आपने पूछा था कि गुरु, मैंने अपने घर, मतलब मेरा प्रश्न ये बताने का मतलब है कि मेरे घर मंदिर में जो रखे हुए थे भगवान, उनको मैंने निकाल के बाहर कर दिया था। अरे इतनी जाती क्यों की? अभी नहीं, कुछ दिन हो गए पहले किया था मैंने। किसी गुरु भाई सुना था ना कि वो गुरु मंदिर में भगवान गुरु होने चाहिए तो ज्यादा भगवान की फोटो नहीं होना चाहिए ऐसे करके। तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरे गुरुदेव ने ही मेरा मार्गदर्शन किया आके। तो एक गुरु बहन है, मैंने उनसे ऐसी बात की तो उन्होंने बताया, उनको साक्षात दर्शन दिया कि वो आंटी गुरुदेव के पैरों में छाले पड़ रहे हैं, छाले दिख रहे हैं। तो मैं बोली गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव जाने मैं नहीं जानती। फिर धीरे धीरे करके गुरुदेव उनका आगमन हुआ। अब मेरे को बोले आपने आपने घर से जिनको निकाला है जैसे सम्मान से,
उसी सम्मान से लेके आओ उनको। अच्छा अब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम्हारे घर में बंदा पैर नहीं मार सकता। और मैं एकदम धन्य हो गई गुरु को, गुरु जी की आवाज सुन के। फिर भाई मैं हनुमान जी की पूजा करती थी, मेरे घर में हनुमान जी की पूजा होती थी। अब मैं भी शादी से पहले 12 साल की थी, 11-12 साल की, तब से ही पूजा करती थी। चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड, तो बाद में अभी करना शुरू किया था 2 साल से। तो फिर बाद में वही, फिर मैं उसी समय गई, परसों की बात है, पूर्णिमा को। तो पहले तो मैं सोचती रही चलो आज तो कल ले आएंगे, कल ले आए ऐसे करके। फिर शाम को हस्बैंड आए तो मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे बात है, गुरुदेव ने बोला, बोले चलो अभी चलो। तो सवाना हो रहा था, मेरे मन में ऐसे हो रहा था कि आज तो मंदिर बंद हो गया होगा, अब तो नहीं मिलेगा। मैं मंदिर में उनको छोड़ बिठा के आई थी, अच्छा हनुमान जी के मंदिर में ही उनको बिठा के आई थी, अम्मी लो अब आप यहाँ बैठो। फिर मैं फिर ही बोले चलो चलते देख के आते। मैं बोली ठीक है चलते हैं, नहीं मिलेंगे तो मंदिर कहीं फोटो ही ले आएंगे गुरु उनका, बाबा जी का। ऐसे सोच के गए तो 9:15-9:20 ऐसे हो रहा था। अब वो जो पुजारी थे, पुजारी को गुरु बाबा ने, गुरुदेव ने उनको गेट नहीं बंद करने दिया, अच्छा वो वहीं बैठे थे। जैसे मैं गई बोले आप जाओ ऊपर, देखा हो कि मंदिर खुला है कि नहीं। तो मैं गई मंदिर में, तो मैंने गेट खोला तो गेट खुल गया। तो वो वहां से उठ के आए, फिर तो मैंने इनको इशारा किया अभी आप आ जाओ। फिर हम दोनों लोग गए मंदिर मंदिर, फिर जाके बाबा के चरणों में प्रणाम किया, इतना भावुक हो गई, साक्षात ऐसे दर्शन हो रहा कि मेरे गुरुदेव मेरे सामने खड़े हैं। फिर वहां से मिले तो फिर बाबा बोले, वो जो पुजारी थे बोले कि मैं मेरा खाना देखो वो रखा है, और जो जो मंदिर के मालिक है वो मुझे बोल के गए कि आप खाना खा लो, लेकिन आज ऐसी माया हो रही है कि हमको यहाँ से हटने नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ बैठा हूँ, देखो मेरे कुछ काम नहीं है, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मंदिर बंद हो जाता है बहुत आधा घंटा पहले ही, लेकिन आज मंदिर बंद नहीं होने दे रहे हैं बाबा। तो फिर मैं उनको बताई हूँ ऐसे ऐसे बात है, मैं ऐसे ऐसे इनको यहाँ छोड़ के गई थी, गुरुदेव का आदेश हुआ है, मैं लेने आई हूँ आप उनको। फिर वहां से लिया तो मैं बोली कि अब मुझे कुछ कुछ दो कि जो मैं यहाँ से लेके जाऊं। ओ फोटो तो थी नहीं वहां। फिर उन्होंने सुंदरकांड दिया मुझे, फिर सुंदरकांड दिया, फिर 2 अगरबत्ती उसका धूप बत्ती का पैकेट दिया, बोले ये प्रसाद लेके जाओ यहाँ से। अब मैं लेके आई, फिर घर में जयकारा दिया, फिर उनको बिठाया, तब से इतना सुकून हुआ। दूसरे दिन मेरा मंत्र जाप बहुत चल रहा है, घर में एकदम शांति हो गई, ऐसे लग रहा है कि एकदम बदल गया माहौल। इतना इतना प्रणाम की, गुरुदेव मेरी बहुत बड़ी गलती की, मैंने ऐसे ना सोचे समझे, बस किसी के सुनने पे मैंने गलती। सत्यनारायण जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए भैया प्लीज। अरे माइक तो बंद सत्यनारायण जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। गुंजन जी आपका माइक बंद हो गया मुझसे। जी हाँ जब भी आप एक मिनट, जब भी आप एंट्री करते हो ना कोई भी गुरु भाई, तो आप प्लीज अपना माइक जरूर देख लो। हाँ जी हाँ जी गुंजन जी बस आपका बताए हुए मार्ग पर गुरुदेव का मार्ग मिला, मेरे को सब कुछ मिल गया। अब ऐसे लग रहा है कि एकदम से घर एकदम हो गया है, एकदम इतनी शांति आ गई है मन में और घर में, ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ी शक्ति मिल गई मुझे। ये बहुत समझने का विषय है कि हम जब किसी भगवान की पूजा छोड़ते हैं या फिर किसी का त्याग करते हैं तो हमारी भावना क्या रहती है। ठीक है, भगवान की मूर्तियों को घर से निकाल देने का अर्थ है कि उनको अब जैसे वनवास दे दिया राम को या बाहर निकाल दिया, वो वैसी वैसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। हम उनका विसर्जन प्रॉपर, अगर उनकी उनकी स्थापना प्रॉपर होती है और हमें एक मार्ग मिलता है चलने के लिए, तो उनका विसर्जन भी प्रॉपर होना चाहिए हमेशा। अगर आप सिर्फ गुरुदेव के मार्ग पे चलते हो, गुरुदेव की पूजा के मार्ग पे चलते हो, तो बड़ा विशेष है कि वहाँ तक लाने वाला आपको कौन है। ठीक है, कश्ती कोई लेके आई हमें वहाँ तक, तो उस कश्ती का सम्मान जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने अगर बचपन से हनुमान जी की आराधना की है, जैसे मैंने की है, शिव की आराधना की है, तो मैं आज भी कहता हूँ मुझे गुरु जी की प्राप्ति ही शिव के कारण हुई है। मैंने तपस्या की है शिव की, लेकिन जी वरदान मांगा गुरु का। ठीक है, तो उस शिव का त्याग मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई तब मैंने नमस्कार करके उसको बाद में विसर्जन किया है कि अब मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था। मैंने उनका त्याग नहीं किया बल्कि विसर्जन किया, स्थापना की उनकी जहाँ पर वो है।
तो कई बार ये गलती हो जाती है गुंजन जी कि हम समर्पण को गलत भाव से लेकर देवताओं का अपमान कर बैठते हैं, देवी देवताओं को जिनसे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी या जीवन में एक सुरक्षा बनी हुई थी उसको हम हटा देते हैं एकदम से, लेकिन हमें वो भाव अलग हो जाता है बिल्कुल। ये सूक्ष्म है, एक बार ऐसे ही हुआ था, मैंने एक गुरु भाई से कहा था कि हम बात करते थे कॉन्टिन्यूसली, तो कुछ अड़चन थी, तो उन्होंने एक अंगूठी पहन रखी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था वो अंगूठी उन्होंने क्या किस बात की अंगूठी पहन रखी है, उन्होंने कभी बताया भी नहीं उन्होंने। तो उनकी चर्चा यही थी कि कुछ बाधा थी, कुछ थी। मैंने कहा ये अंगूठी जो आपने पहनी है तो ये हो सकता है, तो मैंने जो समझ के बोला, और वो जो अंगूठी थी वो उनकी नाथों की ही अंगूठी थी एक्चुअली, वो शायद नाथों की बहुत मतलब था, कुछ सिस्टमेटिक था उनके साथ जो उनको प्रोटेक्शन में रखता था हमेशा। उन्होंने उसको निकाल दिया जब, ठीक है, उनके अंतर्मन में दुविधा रही कहीं, ठीक है, पूर्ण रूप से मन से तो त्याग नहीं कर पाए लेकिन ऊपर से त्याग कर दिया, तो घटना घटी, बहुत घटना ऐसी घटी कि बस बैठ गए घर में 2 महीने के लिए। तो तब से मेरे को भी ये समझ में आई चीज़ कि मैं अपनी धारणा किसी पे थोप नहीं सकता। पहले तो मैं निश्चिंत होकर कह देता था कि ऐसा कर लो, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि जो हम बोलते हैं वो अगर सही भी है तो इसकी क्या गारंटी है कि दूसरे की धारणा वैसी ही है। इसलिए किसी की धारणा आप कभी मत धारण करो, सिर्फ उस चीज़ को समझ लो, और सही से समझना ज़रूरी है उस चीज़ को, क्योंकि हनुमान जी कोई आपकी साधना में रुकावट नहीं बनते। शिव जी, कृष्ण जी, ओ लल्ला गोपाल, ये आपकी साधना में रुकावट नहीं बनते, बल्कि आपकी साधना को असेंड करते हैं, उठाते हैं ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा झुकाव उठने का है या फर्दर उसी की तरफ झुकाव है। तो अगर हम उनका समय, उनका आशीर्वाद मांगे, सही तरीके से उनका विसर्जन हो कि अब हमें अंतर मन की साधना करनी है, एक को साधना है, आप स्थापित हो जाओ मेरे मन में, तो उनका त्याग नहीं करते बल्कि उनकी स्थापना करते हैं मन के अंदर में, ठीक जी है। तो आपने शायद ये किया कि आपने उनको त्याग कर दिया, बल्कि त्याग नहीं, स्थापना करनी थी हृदय में उनकी। हाँ वही मैं फोटो रखा था लेके आई थी बालाजी से, जब घर में बहुत समस्याएं थी तब मैं वहां गई थी, तो वहां से तो मैंने उनको अपने मन से ही अपना उनको जगह दिया था, मैं आप यहाँ बैठिए। और उसके बाद में जब सुना मैंने तो फिर मैं उनको उठा के ले तो गई सम्मान के साथ कि मैं अब मंदिर में आपको बिठा रही हूँ, लेकिन अंदर से ऐसे लगता था कुछ छूटा हुआ है मेरे, क्योंकि मैं हमेशा सुंदरकांड और चालीसा करती थी, तो ये बहुत अंदर बहुत से बहुत ऐसे बहुत लगता। इम्पोर्टेंट बात है गुंजन जी, ये बहुत बड़ी घटना है। मैंने एक पूर्ण समर्पण के लिए एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, उसमें मैंने यही कहा था कि अभी हमें अंदर धारण करना है, इसलिए मूर्तियों का विसर्जन करना है। लेकिन वो अगर आधी इन्फॉर्मेशन किसी ने सुनी होगी कि विसर्जन करना है तो कर दिया, लेकिन धारण नहीं किया पहले। मूर्ति रूप में तो मेरा भगवान नहीं है, मेरे भगवान तो मेरे हृदय में है ना, तो मैं पहले उनको हृदय में करूँ तब तो आगे बढ़ूँगा। तो ऐसा ये जो अभी गुंजन जी ने जो अभी कहा ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए कि आप कोई कहे कि मूर्तियों को निकाल दो, कुछ भी कर दो, तो निकालना नहीं है मूर्तियों को, निकालना मतलब ईश्वर को निकालना नहीं है आपने, वो तो अंदर है, ब्रह्मांड तो अंदर ही है सब कुछ। सिर्फ ये है कि अपना समय मूर्ति पूजा में विश्व नहीं करके गुरु मार्ग पे चल के उनको अंदर उनके दर्शन पाना। मैंने उसमें भी कहा था वीडियो में कि आप सोचो हनुमान जी हैं, मैंने हनुमान जी को कहा हनुमान जी अब मेरे हृदय में विराजिए, अब मैं गुरु का ध्यान करूंगा और मैं आपके अंदर ही दर्शन करूंगा। ये बात आप अगर सेशन सुनो तो जरूर कही होगी उसमें कि मैं अब आपके अंदर ही दर्शन करूंगा, मुझे अंदर दर्शन देना, इसलिए बाहरी रूप को मैं विसर्जित करता हूँ और आपको अंतर मन में धारण करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो कि गुरु के पथ पे चलकर मैं आपके दर्शन पाऊं अंदर में रियल रूप के। तो वो प्रार्थना मैंने उनको धारण करने के लिए की है, ना कि मैंने कहा गुरु हनुमान जी बहुत हो गया, ठीक है आपकी पूजा बहुत होगी, शिव जी, कृष्ण जी, लल्ला बहुत हो गया, अब मुझे गुरु का करना है, अब आप जाओ। तो ये भावना अगर हो जाए कि मैंने उनकी मूर्तियों को निकाल दिया, उन्हीं को निकाल दिया, तो कैसे पार पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, उनके बिना नहीं, वो जर्नी में रास्ते में मिलेंगे, आपको एंट्री नहीं देंगे, क्लियर होगा ही नहीं। यही तो गलती हो गई तो ये हाँ ये गलती हो जाती है। गुरुदेव से क्या मेरा कि गुरुदेव ने ही कहा उनको लेके आओ, और हाँ 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 लेके आई। हाँ तो धारणा जरूरी है, हमें सब कुछ धारण करना है, कुछ डिनाई नहीं करना है, डिनाई अपने आप होगा जो होना है, लेकिन हमें तो हमेशा ये देवी दैवीय सत्ता जो है ना, जो कहते हैं ना हम, हमें 3 ताप होते हैं, आदि दैहिक दैविक,
ये दैविक संताप जो होते हैं, ये ग्रह जो होते हैं ना, ये हमें हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जब तक समय है तब तक इनका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। अगर हम समय से पार चले जाएं तब भी इनका अपमान नहीं कर सकते। अगर हम उठ भी जाएं ऊपर तब हम किसी देवी देवता का अपमान थोड़ी कर सकते। अब मैं तेरे से बाहर हूँ, अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जाए यहाँ से। मुझे तो उनको नाम नमस्कार ही करना है कि आपकी आपकी सहायता और आपकी वजह से ही मैं ऊपर उठ पाया हूँ। तो हमें हमेशा कृतज्ञता भरे भाव में रहना चाहिए देवी देवताओं के प्रति, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान है, उनका त्याग हम नहीं कर सकते। उनके बिना तो हमारा ब्रह्मांड कंप्लीट ही नहीं होता। बस धारणा अंदर होनी चाहिए। अभी आप गुंजन जी है, आप जो भी आपको गुरु आदेश हुआ है, बिल्कुल वो समय जब तक प्रकट होगा वो स्वयं प्रकट होंगे, अंदर धारण हो जाएंगे। जिस दिन अंदर धारण हो जाएंगे उस दिन आपका मार्गदर्शन हो जाएगा आपको क्या करना है, ठीक है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो सब चीज़ें अपने आप ही सेटल डाउन हो जाती हैं, ठीक है। जो दुविधा मेरे मेरे जीवन में आई शनिदेव की आराधना को लेकर, 1-1.5 साल तक मेरे मन में था कि मैं शनिदेव को नहीं छोड़ सकता हूँ। तब मेरे पास गुरु का विश्वास नहीं था तो मैंने की शनिदेव की, लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि अब पूर्ण हो गई है वो चीज़, तो मैंने शनिदेव को स्थापन किया अपने अंदर। मैंने कहा प्रभु अब अंदर आ जाओ, अब बाहर नहीं, अब अंदर आ जाओ, अब अंदर आने का समय हो गया है, अंदर दर्शनों का समय है। अब यहाँ से यात्रा आपकी तरफ बढ़ेगी और आपके दर्शन होंगे, और जरूर शनिदेव अगर रियली मेरे हृदय में हैं तो मुझे, जब मैं पहुँचूंगा ना वहाँ तक, तो मुझे उनके दर्शन होंगे। और अगर उनके दर्शन ना हुए तो मेरी यात्रा तो सफल हो ही नहीं सकती। मैं तो कहूँगा लो शनिदेव आप तो सिर्फ बाहर ही थे, अंदर तो मिले ही नहीं, ये कैसे, ये कैसा ब्रह्मांड हुआ जो बाहर थे अंदर नहीं है। तो अगर वो मेरे हृदय में है ना, तो ये गुरु अगर सही है, इसने पथ पे चलाया है, तो वो बात जो अंदर स्थापना की है वो एक दिन मुझे मिलने चाहिए वहाँ पर। अगर नहीं मिले तो मैं फिर गुरु से पूछूंगा क्यों नहीं मिले, मैंने तो शनिदेव की पूजा छोड़ी, आपके रथ पे चला कि वो अंदर मिलेंगे, क्यों नहीं मिले मुझे। तब तो फिर मैं गुरुदेव से सवाल जरूर करूँगा। तो आपको भी सब अंदर मिलेंगे, इसलिए अंदर धारणा करनी ज़रूरी है उनकी। आप उनको छोड़ नहीं रहे बल्कि और अच्छे से पकड़ लिए, अब तो आपने उनको बिल्कुल पकड़ लिया कि अब तो तुम्हें दिखना ही पड़ेगा। अब तो तुम मूर्ति रूप में दिख रहा था, अब तू अंदर दिख, मुझे रियल रूप में दिख। तो ये जी हाँ, तो जो गुरुदेव का आदेश है आपके लिए, जितनी पूजा आराधना अभी बाकी है बाहर की, क्योंकि आराधना ऐसी नहीं कि बाकी होती है, बस वो भाव होता है हमारा, वो टूट गया आपका भाव, आपके हृदय ने तो त्याग नहीं किया, पर आपने एक्शन से त्याग कर दिया, वो गड़बड़ हो गई एक्चुअली हृदय में चलिए जो भी आप इसको समझिए ठीक से, या फिर आराधना पढ़ सकते हैं। गुरुदेव ने ध्यान पे, गुरुदेव के यहाँ पे तीसरी, आप बोलते गुरुदेव यहाँ पर हमें देखो, वहां पे आज राम जी के दर्शन हुए, कृष्ण जी के दर्शन हुए अच्छा आज। अच्छा देखो क्या बात है, हनुमान जी ने कहा तू मेरे बिना कहाँ जा रही है ये सही बात है। हम सब हनुमान जी हैं, हम सब जैसे हनुमान जी अपने राम के भक्त हैं, वैसे हम भी अपने गुरु के भक्त हैं, तो हम में भी हनुमान जी बसते हैं। एक स्वरूप हनुमान का हम में भी है। अगर हम उनके स्वरूप का त्याग कर देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं, तो हम अपने अंदर का हनुमान भी त्याग देते हैं, और जिसके अंदर हनुमान नहीं उसके तो राम हो ही नहीं सकते। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भाई जी। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव सुधा जी को। हाँ जी, ये जो अभी उन्होंने बात बताई है, ऐसी थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे आपने बताया था कि अपने घर के देवी देवताओं को मतलब मन में स्थापित करो, और फिर मंदिर में हम उनको बैठा कह सकते हैं, पहले हुई थी ये बातें। अभी क्या है कि मतलब हम जब मम्मी ने स्टार्ट किया था, तो मैंने मम्मी को बोला इस चीज के लिए, मम्मी ने क्या क्या कि अभी हमारे पूजा घर में देवी देवता नहीं है, उन्होंने अपने मन में स्थापित तो करा, लेकिन जो उनकी मूर्तियां हैं वो घर के बाहर आज तक नहीं जा पाई। उन्होंने ये सोचा कि ये मूर्तियां जो है, हमारे पंडित जी, मैंने आपको बताया था एक बार कि हमारे उत्तराखंड से पंडित जी आते हमारे घर में, उन्हीं हाल ही में अभी उनका देहांत हो गया अच्छा। के बाद मतलब एक बार मैंने आपको बताया था कि हमारे घर पे आने वाले हैं, वो नहीं आ पाए, गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि वो आ ही नहीं पाए हमारे घर। और कई बार वो उन्होंने अपने मुंह से बोला कि मैं अपने बार घर आऊंगा, मुझे ये हवन करना है, मुझे वो हवन करना है, वो घर नहीं आ पाए। और अभी अप्रैल में मैं आई थिंक उनका देहांत हो गया, ओहो वो मूर्तियां अभी तक हमारे घर में ही रखी हुई है। मैं उन मूर्तियों को देखती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा सा नहीं लगता, कि मतलब चाह क्या है, क्या इच्छा क्या है, कि जो जैसा चाह वैसा नहीं हो पाया, मूर्तियां घर के बाहर नहीं जा पा रही, तो इसके पीछे कुछ कारण तो है। लेकिन
इतना समय हो गया मूर्तियां घर के बाहर नहीं जा पा रही हैं। वो मम्मी ने वैसे भी अष्ट धातु की पीतल की मूर्तियां बनवा के वो स्थापित करी थी घर के अंदर, तो भी क्या करना चाहिए उनके साथ में? अब देखो ये सुधा जी, ये भाव है कि ये मूर्तियां हैं या भगवान है, ये आपके भाव पे डिपेंड करता है। अगर तो भगवान है तो उनको कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा। तो वो मूर्ति में है ही नहीं अगर अच्छा। वो भगवान है। अगर वो मूर्तियां ही हैं तो फिर वो कहीं भी चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात उन मूर्तियों के घर से बाहर जाने की है ही नहीं। मेन बात ये है कि मैं उन्हें कैसे धारण करता हूँ। मैं सिर्फ उनको मूर्ति विशेष में ही रख के उनकी पूजा अर्चना करता हूँ सारा जीवन, या फिर मैं उनको हृदय में धारण करके पूजा करता हूँ। अगर मैंने हृदय में धारण करके सिर्फ मूर्ति को मूर्ति रूप रखा है कि तुम मेरे हृदय में हो, लेकिन तुम्हें याद करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए मेरी कल्पना उतनी सक्षम नहीं है कि मैं तुम्हें इमेजिन करूँ, तो मैंने तुम्हारा प्रतीकात्मक रूप मूर्त रूप बना दिया, इसीलिए मूर्ति बनी। किसी के हृदय के भगवान को पूजने के लिए उसने अपनी कल्पना शक्ति को बार बार गठित नहीं करके एक बार मूर्त रूप में गठित करके उसकी पूजा की, कि जब जब मैं तेरी मूर्ति की पूजा करूंगा तो मैं तेरी अपने हृदय में पूजा करूंगा, सिर्फ मैं खुली आंखों से तुझे देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने मूर्ति का निर्माण किया जी। ठीक है, तो मूर्ति प्रतीकात्मक रूप है उसका जो हृदय में है, लेकिन जो हृदय में नहीं जो मूर्ति है वो किसी काम की नहीं हुई फिर तो। अब गुंजन कह रही है कि बड़ा तकलीफ होगी, क्योंकि हृदय वाले का प्रतीकात्मक रूप था जिसको त्याग दिया, तो उसका प्रतीकात्मक रूप को त्याग दिया, लेकिन हृदय वाला कह रहा कि तूने मेरे रूप को इतना किया उसकी वजह से मैं था, तूने मुझे त्याग दिया, तो अंदर से विचलन हो गई। अगर वो सच में भाव रूप में अंदर है तो मूर्तियों से विचलन होगी, अगर वो नहीं है तो मूर्तियां फेंक, गणेश उत्सव जब होता है, दुर्गा उत्सव जब होती है, एक बार पूजा होगी तो उसका विसर्जन आप देखना कभी कैसे होता है। ये भाव ही नहीं होता कि वो कुछ दिन पहले भगवान थे, जिस तरह से उनका विसर्जन होता है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मम्मी का जुड़ाव वहाँ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अब कहीं, क्योंकि हमारे साथ एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, मेरे हस्बैंड ने कहा मम्मी को कि आप मूर्तियां जो है घर के बाहर निकालो, घर में मूर्तियां मतलब मंदिर में जाके पूजा करो, आपको भगवान की पूजा करनी है, पूजा घर पे अपने घर के अंदर मत रखो। तो उस वक्त हम लोग अनजान थे, नादान ही समझे कि हमें नहीं इतनी जानकारी थी, जिसे जैसे बता दिया वैसे कर लिया। तो उस वक्त तो मूर्तियां मम्मी ने, हमने मतलब माता की मूर्ति तो मंदिर में रखी थी, गणपति और शिव की मूर्ति प्रभावित करी थी, इस तरह से करके कर दिया था। लेकिन मम्मी का मन नहीं माना, उन्होंने दोबारा मूर्तियां बनवाई, दोबारा घर में लेके आए, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं कहीं बाहर नहीं रखूंगी, मैं पंडित जी को दे दूंगी मूर्तियां। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा सा ज्ञान देखिए अभी मिला है ये करके कि भाई हमें मन में भी धारणा होती है, जब मन तक के अंदर धारण करते जब हैं। तक नहीं होते ना, जब तक इस चीज का प्रॉब्लम आता है ना कि हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, तब तक उनको घर में रख के उनको स्वरूप उसी स्वरूप से पूजना उचित है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। जब तक ये धारणा पक्की ना हो जाए कि वो भाव रूप में मेरे साथ है, मेरे अंदर है, ठीक है, तब तक उम्र की मूर्तियां रख के उनका पूजन जैसे करना है करते रहो। लेकिन अगर वो है भाव रूप में अंदर स्थापित हो गया है और आपने उसको अंदर धारण किया है, तब आपको लगे कि जब मैं ध्यान में बैठूंगा ना, सोचो मैं शिव जी का पुजारी हूँ और मेरे घर में शिवलिंग है, या मैं कृष्ण जी का पुजारी हूँ, मेरे घर में राधा कृष्ण की मूर्ति है, तो मैं हमेशा उनको ध्यान करता था, पूजा करता था, अब गुरुदेव मिले और मैं साधना करने लगा, दो समय ध्यान करने लग गया, अब मैं कहता हूँ कि हे हरि, मैं तेरी सुबह शाम आराधना करता था, ठीक है, और जब भी दिन में मुझे आराधना करनी होती थी तो मैं तेरा ही स्मरण करता था, अब जब मैं गुरुदेव का स्मरण करता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तेरा स्मरण नहीं कर रहा? ठीक है, तू या तो तू अलग है, ठीक है, या फिर गुरु अलग है, तो तू मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान कर कि मैं जब भी ध्यान करूँ तेरा ही ध्यान हो अंदर, ठीक है, या तू ये बता दे कि तेरी प्राप्ति का ही साधन है गुरु, तो जब मैं ध्यान करूँगा तो जब मैं गुरु का ध्यान करूँगा तो मैं तेरे तक पहुँचने का ध्यान करूँ, बल्कि मैं गुरु का ध्यान कर रहा हूँ और तेरा ध्यान अलग है, ऐसा ना हो जब मैं उस ध्यान में बैठा हूँ तो सूक्ष्म रूप से मैं तुब तक ही पहुँच रहा हूँ, ऐसा ज्ञान मुझे प्रकट करो। तो हम मूर्तियों के पहले समक्ष बैठ के पूजा करते थे, अब ध्यान में बैठ के जब ध्यान करते हैं तो जब हम इतने करीब बैठे थे उसके,
असल में तो बहुत दूरी थी ना उसके और आप में, जी तो ये दूरी कम हो जाए इसीलिए मैं ध्यान करता हूँ, सूक्ष्म रूप से तेरे पास पहुँच रहा हूँ। तो यात्रा उसके पास ही पहुँचने की है, बल्कि उससे दूर जाने की नहीं है। जब ये भाव प्रकट हो जाए कि जब भी मैं साधना करता हूँ तो मैं ब्रह्मांड के ईश्वर के समक्ष करीब जाने की कर रहा हूँ, मेरा ध्यान उससे दूर होके गुरु के करीब होने के वाला नहीं है, बल्कि गुरु एक पथ है जिसके ऊपर चल कर मैं तुझ तक पहुंच रहा हूं। तो असल में तो मैं उसी का ही, उसी के लिए ही सब कुछ कर रहा हूं। पहले उसके लिए अगरबत्ती करता था, दिया करता था, खाने बनाता था, अब उसके लिए ध्यान करता हूं, उसका नाम जपता हूं। तो बात एक ही है, बाहरी पूजा और आंतरिक साधना एक ही है। इसमें बस अगरबत्तियां धूप वगैरह होती थी, इसमें नाम जप और ध्यान होता है, ठीक है, जो मुझे उसके करीब करता है सूक्ष्म रूप में। तो यात्रा एक ही है, सिर्फ उसको पूरा करने वाला जो पथ है वो बदल गया है, वो गुरु एक पथ है। हाँ, जैसे मैंने तो पहले ही दिन से अपने भोले को, अपने गुरु को, क्योंकि मैंने पहले उन्हीं को गुरु कहा था और फिर कहा था कि गुरु मुझे आप दो, जब तक आप मुझे गुरु नहीं दोगे तो मैं गुरु रूप में आपको धारण करती हूँ, मैं आपको गुरु मानती हूँ तब तक। तो गुरुदेव ने, भोलेनाथ ने मुझे गुरु दिए गुरुदेव के रूप में। मैं बाकायदा मैं भी उसी तरह से मंदिर में गई और मैं वहां पर शिवलिंग के सामने मैंने पूजा वूजा सब कुछ करी और उनको बोला अपने मन के भाव से कि आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊंगी, मैं अपनी पूजा, भारी रूप की पूजा मैं आज के बाद नहीं करूंगी, मैं हाँ आपको अपने अंदर धारण करती, मैंने गुरुदेव धारण कर लिए, मैं आपको अपने अंदर ही देखूंगी। अब हाँ उस दिन के बाद मेरी इच्छा तो मंदिर की तरफ से नहीं होती कि मैं नहीं जा रही, लेकिन हाँ जब भी मैं मूर्तियों को देखती हूँ मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बार बार कि उनको उनके स्थान से हटा के जहां हमें पहुंचाना था वो अपनी जगह तक नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या उनका हाँ तो अपमान अगर यहाँ आप बैठे उनकी बैठे पूजा, कम तो नहीं हो रहा? ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर आप उनकी पूजा नहीं कर रहे तो वो तो प्रतीकात्मक रूप से कभी तो थे वहां पर ना, तो उनका विसर्जन होना जरूरी है। अगर उनका विसर्जन नहीं है तो उनकी रीस्थापना होनी जरूरी है, ऐसे ही उनकी पूजा नहीं शुरू कर सकते आप। क्योंकि वही कभी तो चीज तुम मैं पूजा पूछ शुरू रही कर हूँ। देते हो, मतलब हमारा कोई प्रतिष्ठा नहीं है। नहीं, अब मम्मी ने कह दिया, मैंने आज अब गुरु बैठा दिए यहाँ पर, गुरु धारण कर लिए तो कर लिए, मैं दोबारा इनको यहाँ नहीं तो रखूंगी। उनकी अंतिम पूजा होनी चाहिए, बाहरी अंतिम पूजा होनी चाहिए और उनका विसर्जन प्रॉपरली होना चाहिए। ये तो लापरवाही वाली सिस्टम हो गया ना, ये तो बस ठीक है वो वाला काम हो गया। तो नहीं, या लेकिन मम्मी ये बोल रहे हैं ना कि उनके पंडित जी घर पहुंचा दे कैसे भी करके, तो ये क्या सही होगा कि पंडित उनके जी घर क्यों पहुंचा पहुंचाएंगे पाऊंगा? यार, पंडित जी क्यों पहुंचाएंगे, पंडित कौन है? हाँ वही चीज ना, तो मतलब मैं आपके सही भगवान उनके है, मन को आपके विसर्जन इष्ट क्यों है, देना आपका भाव चाहिए? है, पंडित उसको बहा के क्या बहा देगा? ऐसा पंडित ने क्या बहाना है? जो मेन तो आपने धारणा करनी है, पंडित ने थोड़ा करनी है। नहीं, पहले क्योंकि पंडित जी ने थोड़ा सा अपना भाव ऐसे प्रकट करा, अच्छा अरे यार, वो तो दुनिया अपने अचंभित होगी ही, दुनिया गुरु के बारे में जानती नहीं है कि वो उस तक पहुंचने का तो ही मार्ग है, जिसका त्याग नहीं, जिसकी धारणा का विषय है। उसको कहना था पंडित तो इन मूर्तियों को विसर्जित करना है, जैसे नई मूर्ति लाते हैं, एक मूर्ति का विसर्जन होता है, दूसरी मूर्ति आती है ना घर में, तो उसको कहना है कि ये जो मूर्ति प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा है, इसको मेरे हृदय में समाना है, मेरी तरफ से प्रार्थना करो कि मेरे हृदय में समा जाए और इसका विसर्जन कर दूं, ताकि वो मेरे साथ ही रहे, गुरु की आराधना करके मैं उसको पा सकूं। यही तो सिस्टम है, वो उसमें वो क्या करेगा? जिस तरह से मूर्ति बदल के करते हैं वैसे उसकी वो मूर्ति की जगह मेरा हृदय मूर्तिमान हो गया, मेरा हृदय उसका, वो मेरा शरीर उसका मंदिर हो गया। बना ले जो बनाना है अंदर, जिस तरह से धारण होना है हो जाए, बस अंदर हो जाए, बाहर कांस्य की, पीतल की, सोने की, चांदी की मूर्ति के सिवाय मेरा स्वयं मन को धारण करके उसमें मूर्ति रूप आ जा। यही तो धारणा है और कुछ नहीं है इसमें, अलग तो कुछ भी नहीं है। अगर इतना कन्फ्यूजन है तो अभी उसको धारण करके करने या त्यागने में इतना कन्फ्यूजन है तो अभी वो समय आया ही नहीं है कि आप उसका त्याग करो। नहीं, मेरे मन में ये बात नहीं है, ये बात थोड़ा मम्मी के मन में ही है कि मैं केवल ये मूर्ति आपको उन्हीं को दूंगी या वहीं पहुंचाऊंगी, मेरे को विसर्जन नहीं करना है वो, तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मूर्तियां, हाँ अगर ये भाव अब आपकी मम्मी जी के मन में है ना, मुझे अगर करना चाहिए। अगर ये भाव आपकी मम्मी जी के मन में है तो उनको बोलो कहीं मत भेजना मूर्तियां। अगर ये भाव है कि वो मूर्तियां विशेष हैं, ठीक है, उनकी धारणा इसका मतलब है हृदय में नहीं हुई, वो भगवान अभी तक मूर्तियों में ही है, इसीलिए उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। अगर वो उसी मूर्ति में है और उसको कहीं भेज दिया तो भगवान को भी भेज दिया, ये समझ लेना। फिर उस मूर्ति को कहीं नहीं भेजना अगर वो मूर्ति इतनी विशेष है आपकी मम्मी जी के लिए, यानी कि आपकी मम्मी के ईश्वर अभी मूर्ति में ही है, वो आपके उनके हृदय में आए नहीं और उस मूर्ति के साथ ही वो चले भी जाएंगे, इसीलिए उनको कहीं मत भेजना। आपकी मम्मी जी को बोलो उस मूर्ति को अपने पास ही रखें, डिस्कशन का विषय बना हुआ ही है। यही उनको कहो कि अभी वो इस मूर्तियों का विसर्जन ना करें, क्योंकि उनके प्राण अभी मूर्ति में, उनका मन अभी मूर्ति में ही है,
इसलिए विसर्जन ना करें, कहीं किसी को दें ना, उसकी पूजा करें जिस तरह से करते थे वैसे करते रहें और गुरु का ध्यान करते रहें, जी, ठीक है। उनको बोलना बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं भेजना। अब ये समझ लो भगवान की कृपा ही है कि हुआ ही नहीं अभी तक, क्योंकि भाव ही अलग नहीं हुआ। वो भगवान जानता है कि इसका भाव तो अभी अलग हुआ नहीं है, ठीक है। भाव तो मेरा मूर्ति में ही है, मैं तो इसके लिए अभी मूर्ति में ही हूँ, तो मेरा मैं चला गया तो मूर्ति चलेगी, तो इसके ये समझे कि मैं भी चला गया, और वो अलग से एक सदमा लग जाता है। कोई घटना घटेगी और लगेगा ये तो यही इसीलिए हुआ है, तो उससे पहले वो भगवान की कृपा ही है आपकी मम्मी के ऊपर कि वो विसर्जन नहीं हुआ मूर्तियों का, ठीक है। आप बिल्कुल विसर्जन मत करो, उनको वापिस उनकी आराधना करके रिस्थापित करके उनको कहो कि भगवान अगर तू नहीं गया है तो यहाँ पर स्थापित है, ठीक है। मैंने भी किया था ना ये, हमारी श्री कृष्ण मद भागवत गीता मैं दान कर दी थी, मैंने तो मंदिर में चली गई। अब गुंजन जी ने जैसे कहा कि हनुमान जी दान दी थी वापिस आ गए घर में, उसी तरह से गीता मद भागवत गीता श्री कृष्ण मंदिर में दान की, वो वापिस मेरे घर में आई, वो कहते ले जाओ, ठीक है। आज मुझे जो ज्ञान अंदर से प्राप्त हो रहा है वही इसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये सूक्ष्म रूप से मेरे अंदर प्रकट हो रही है, ये तो स्थूल रूप है उस ज्ञान का, और वो सूक्ष्म रूप से मेरे अंदर घटित कैसे हो रहा है, यानी कि ये और अंदर सेम ही है चीजें, ठीक है। तो ये मेरे पास रहे कैसे भी रहे, मैं उसको मानता हूँ कि जो ज्ञान मेरे अंदर है वो ये है, तो अब ये मेरे पास है, वहाँ इसकी जगह नहीं है, मेरे मेरे लिए है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास ही आ जाएगी, गुरु कृपा ही, ये समझ लो इसको। तो मेरा कहना ये है कि आप मत करो, अभी कुछ मत करो, जैसे है मूर्तियों को आप वापिस उनकी रिस्थापना करके उनसे क्षमा मांग के उनको पूजा अर्चना शुरू करो उनकी, क्योंकि जब तक आपका भाव है उस, क्योंकि साफ ही पता चल रहा है वो तो मूर्तियाँ, नहीं तो हम तो विसर्जित कर देते हैं उसको। अगर मन में हो कि ये मेरा बेटा है जिंदा है तो उसको कैसे आप छोड़ दोगे रास्ते में, ठीक है। तो भगवान अगर आपको ये साक्षात कांड भी भगवान हो तो होता उसका है ना, रास्ता ये आप ना कांड भी छोड़ होगा दें। ना, बड़ा बेटा, बड़े बेटे ने माँ बाप को कुछ समझा नहीं, अरे उनकी वो जब उन्हें छोड़ो, छुट्टी जरूरत थी तो छोड़ दिया, तो अभी वो उन्होंने त्याग रखा है बेटा तो। वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो तो पारिवारिक बात है, वो तो घर घर की कहानी है, वो तो कुछ भी हो सकता है, हम उस विषय में नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे इस समय कि गुरु की आराधना में कुछ विघ्न आ रहा है तो उस विघ्न को समझने की कोशिश करना है। हमारा सत्संग का विषय गुरु है, पारिवारिक चीज़ नहीं है, सबकी समस्याएं तो हो ही सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस समय जो गुरु की आराधना की बात है कि गुरु की आराधना में कुछ डिस्टर्बेंस ना आ जाए, तो भगवान उसमें बाधा नहीं है, हमारा भाव है, ठीक है। तो आप उनको बोलो विसर्जन नहीं करें, भाव जब जहाँ उनका भाव है वह उसी तरफ से ही बढ़ने की कोशिश करें, ईश्वर तो एक ही है, ठीक है। और गुरु की आराधना जैसे करते हैं वैसे करते रहे, और अपने इष्ट को भी ध्यान, ठीक है। जी, जय श्री धन्यवाद, गुरु, जय श्री जय गुरुदेव श्री भाई जय जी। श्री गुरुदेव जय श्री गुरुदेव। अच्छा चलिए, यूट्यूब पे जो है कुछ एक प्रश्न है वो मैं ले लेता हूँ अभी। उसके बाद प्रश्न था, कमल सिंह सेशन में क्यों नहीं आते, उस दिन तो कुछ बता रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद तो सेशन में आए नहीं, बात नहीं की, क्यों नहीं आए। कह रहे हैं जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जो शनिवार के से सेशन में सेशन बच्चों को जो शनिवार के सेशन में बच्चों को पढ़ाते हैं किताब, आप नहीं पढ़ते समझते हो, कोई वाली भेज दीजिए और हो जाए गुरुदेव। अच्छा, आपको पतंजलि अष्टांग योग की बुक चाहिए कमल जी, ठीक है। मैं आपको पतंजलि अष्टांग योग की पीडीएफ भेज दूंगा व्हाट्सएप पे आज, ठीक है। अच्छा चलिए, आपने मैसेज लिखा आज, फूल नहीं भेजे, पत्ते नहीं भेजे, खरगोश कबूतर कौवे वो नहीं भेजे, भेजे तो होंगे, देखता हूँ। हाँ, भेजें भेजें, बहुत सारे फूल भेजें। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, मन लगा रहता है आपके साथ, गुस्सा मत कीजिए। अच्छा, उसके बाद मीना जहांगीर जी कह रही हैं, बांसुरी मुद्रा लग रही है कुछ दिनों से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आनंद। और बांसुरी मुद्रा जो है ये सिर्फ होंठों पे नहीं लगती, चक्रों पे भी लगती है, यहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगती है, हृदय में लगती है, इधर इधर लगती है, नाभि पे लगती है, ऐसे करके ये मुद्रा कहीं भी लग जाती है, हृदय में लगेगी ऐसे करके, फिर ऐसे लगेगी,
जहाँ 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 वो अपना आनंद की बात घटेगी, जहाँ जहाँ जिस जगह पर होगा वहाँ पर आपको लगेगी। तो ये आनंद की शुरुआत है, बांसुरी मुद्रा का लगने का अर्थ है आनंद आना, आनंद की शुरुआत हो जाना। बहुत बढ़िया। सोनू नागर जी कह रहे हैं कुंडलिनी जागरण के लक्षण क्या है? कुंडलिनी जागरण के लक्षण है बदलाव व्यवहार में। अगर व्यवहार नहीं बदला तो कुंडलिनी जागने का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लक्षण नहीं, कोई लक्षण भी महत्वपूर्ण है नहीं। मैं लक्षणों को क्या करूंगा? अगर मुझे कुंडलिनी जागरण के लक्षण पता चल जाए तो मैं उन लक्षणों का क्या करूंगा? मेरे काम का तो परिवर्तन ही है सिर्फ। तो अगर कुंडलिनी जाग गई है तो परिवर्तन आएगा, अगर परिवर्तन नहीं आया है और सारे लक्षण कुंडलिनी वाले हैं तो फिर फायदा नहीं है सोनू भाई। तो लक्षण इम्पोर्टेंट नहीं है, बदलाव आया कि नहीं आया वही मेन है। अच्छा, उसके बाद बरखा मुरादिया जी कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु माता, आप सभी गुरु भाई बहनों को। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है बस? अच्छा, कितना समय हो गया? 8:15 हो गया, 8:20 हो गया। कैलकाटा में तो बहुत बारिश हो रही है 3 दिन से लगातार, बीच में थोड़ी बंद हुई थी लेकिन बहुत बारिश हो रही है। अच्छा, एक प्रश्न है हनुमान सिद्ध योग कह रहे हैं कृष्ण नवे अवतार थे और गुरुदेव भी कृष्ण मंत्र की दीक्षा देते हैं, यह दोनों अलग हैं या दोनों एक ही हैं? नरहरि भाई ने जवाब दिया है जय गुरुदेव, वो ही कृष्ण है, वो ही राम है, वो ही श्री कल्कि के अवतार है। बिल्कुल सही बात है। तो जो कृष्ण है वो पूर्ण अवतार है, ठीक है, और आपको गुरुदेव किसकी दीक्षा देते हैं? कृष्ण की दीक्षा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कृष्ण पूर्ण है और आपको पूर्ण तक पहुंचाने वाला पूर्ण ही होना चाहिए। तो जिसका नाम जपते हो उसमें परिवर्तित हो जाओगे। तो कौन पूर्ण है, किसमें पूर्णता परिवर्तित हो सकती है? कृष्ण में हो सकती है। तो किसको जपना चाहिए? कृष्ण को जपना चाहिए। तो किसकी दीक्षा होनी चाहिए? कृष्ण के नाम की दीक्षा होनी चाहिए। इसीलिए कृष्ण और राधा की दीक्षा होती है, क्योंकि वो पूर्ण अवतार थे और वो हमें अपने में विलीन कर सकते हैं, हम उनमें समा सकते हैं, पूर्ण पूर्णता में मिलके पूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव श्री कृष्ण का मंत्र देते हैं। श्री कृष्ण और श्री गुरुदेव एक ही हैं, क्योंकि जो पूर्ण है वो कृष्ण है। आपके गुरुदेव भी पूर्ण हैं, इसीलिए वो भी श्री कृष्ण हैं, इसीलिए पूर्ण में भेद नहीं होता। श्री कृष्ण भी पूर्ण, गुरुदेव भी पूर्ण, तो दोनों एक ही हुए, ठीक है। तो गुरुदेव को भज लिया, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, या फिर गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र जप लिया, जो भी मंत्र उन्होंने दिया है वो जप लिया, एक ही बात है, ठीक है। अब सब जगह जय गुरुदेव नहीं लिखना है लेकिन चलिए, और कुछ है? वैसे तो आज बहुत बड़ा टॉपिक था डिस्कस करने का लिए, थोड़ा सा तो हो गया डिस्कस आज। वो निर्विचार समाधि क्या होती है इस पे थी चर्चा, निर्विचार समाधि, सविचार समाधि, निर्वितर्क समाधि, सवितर्क समाधि, अस्मिता अनुगत समाधि और आनंद अनुगत समाधि और संप्रज्ञात समाधि। तो ये आज का विषय था वैसे तो, लेकिन गुरु भाई तो आए नहीं तो चर्चा हुई नहीं। लेकिन चिमांचल बदात्या भाई से बात करते समय थोड़ा बहुत हमने जान लिया उस चीज़ को, लेकिन वो टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक अलग है। जो समाधियाँ हैं वो छोटी छोटी ध्यान जब परिवर्तन करने लग जाएं, सोचो मैंने आज ध्यान किया और इस ध्यान से मुझ में परिवर्तन आ गया, क्या परिवर्तन आया?
कि आज से मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं रही। तो इस समाधि का नाम क्या हो गया? ईर्ष्या मुक्त समाधि कह सकते हैं इसको। जो ध्यान परिवर्तन दे वो ध्यान समाधि स्वरूप होता है। तो संप्रज्ञात समाधि के अंदर छोटी छोटी समाधियाँ होती हैं, 8, 7-8 होती हैं, और भी होती होंगी। तो जब हमारे अंदर किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो और उसमें विप्रिय नामक वृत्ति भेद करना शुरू कर दे, तब हमें उस वस्तु का स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता, हमें वितर्क रहते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में जाते हैं तो उसका स्वरूप का ज्ञान होने से वो विकल्प, वो वितर्क खत्म हो जाता है। जो समाधि, जो ध्यान उस वृत्ति जो विप्रिय है उसको समाप्त कर दे, जो विकल्प है उसको समाप्त कर दे, जो ध्यान में प्राप्त हुआ ज्ञान उस विकल्प या विपरीत वृत्ति को समाप्त कर दे और हमें मुक्त कर दे, तो वो ध्यान हमारे लिए सवितर्क समाधि हुआ। फिर जब वो ज्ञान प्रकट हुआ उसके बाद उस पदार्थ को भी वो लय कर दे, उसके स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप का ज्ञान में चले जाओ, स्थूल रूप का तर्क वितर्क से मुक्त हो गए, उसका सही ज्ञान हो गया, उसके बाद विचार आएगा कि ये प्रकट कैसे हुआ था। विचार, फिर हमें उस विचार से मुक्त कराने वाला ध्यान, स्वविचार में वो आएगा, निर्विचार में वो ध्यान उस वस्तु का सूक्ष्म स्वरूप का जो ज्ञान करवा दे, वो समाधि, वो ध्यान निर्विचार समाधि होगा। तो उस वो सूक्ष्म से अर्थ से और अंदर चला जाएगा। जब वो अंदर चला जाएगा तो वो एकत्व में चला जाएगा। तो स्थूल से स्थूल का ज्ञान होना सही, सवितर्क निर्वितर्क, और सूक्ष्म का ज्ञान होना सविचार निर्विचार, सूक्ष्म से भी उसका चला जाना नीचे प्रज्ञा ज्ञान, प्रज्ञा की एक कड़ी जुड़ गई। फिर जब इन सारी चीजों का असली ज्ञान हृदय से प्रकट होना शुरू हो जाए तो आनंद, आनंद भी अस्मिता रहती है आनंद में, कि मैं आनंद में हूँ, वाह क्या बात है, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, वाह जी वाह। किसे प्राप्त हुआ? व्यक्ति विशेष को हुआ। तो अस्मिता रहती है, अहंकार रहता है। जब वो ज्ञान भी, उस ज्ञान को धारण करने का मैं भी खत्म हो जाए तो अस्मिता अनुगत। इस तरह से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोसेस है आपके ध्यान में जाने की, ध्यान में चीज़ों के बदलाव आने की, व्यवहार में परिवर्तन आने की। तो जैसे जैसे ध्यान लगेगा, जिस ध्यान से जो परिवर्तन आएगा वस्तु विशेष के लिए। अब वस्तु विशेष का अर्थ है कि हमारी 5 भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये स्थूल भूत हैं। इनका ज्ञान, सही ज्ञान होना वितर्क में, इनका सूक्ष्म ज्ञान यानी कि इनके सूक्ष्म इंद्रिया कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनका ज्ञान होना सविचार और निर्विचार, इनसे भी मूल रूप में चले जाना आनंद, आनंद से भी आगे इसका ज्ञान अस्मिता मुक्त हो गया। अब जब पंच महाभूतों के स्थूल का ज्ञान, पंच महाभूतों के सूक्ष्म का ज्ञान, उससे प्रकट आनंद से मुक्ति
तब प्रकट होती है प्रज्ञा, तब प्रज्ञा सारे भेद खोलने शुरू कर देती है, रिलेटेड टू पंचभूत, रिलेटेड टू पंच सूक्ष्म भूत। वो चला जाता है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जो लिखा हुआ है वही है जो पंचभूतों, पंच सूक्ष्म भूतों के आधार पर ज्ञान लिखा हुआ है, वो प्रकट होना शुरू हो जाता है प्रज्ञा। और ये जब ऑटोमेटिकली सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती है तो घटित होती है संप्रज्ञात समाधि, यानी कि संप्रज्ञात समाधि शास्त्रों का ज्ञान प्रकट होना, उसमें जाने तक, उससे पहले सत्य का घटित होना, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इन सब का घटित होके संभाव एक ही तत्व से प्रकट है, संभाव, संभाव से प्रज्ञा, प्रज्ञा से संप्रज्ञा, यही होना चाहिए। ये ध्यान की अवस्थाएं हैं, ये ध्यान ऐसे घटित होगा, ध्यान में परिवर्तन। इसीलिए हम कहते हैं कि ध्यान की अनुभूतियां नहीं बल्कि ध्यान के परिवर्तन पे ध्यान दो, क्योंकि समाधि विशेष में होने वाला परिवर्तन ही विशेष है, वही ज्ञान का सोर्स है, वो ध्यान जिसमें परिवर्तन आया। और जिस ध्यान से परिवर्तन आता है वो ध्यान होना चाहिए, लगना चाहिए एक संभाव से, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव से होना चाहिए कि बैठा हूँ तो बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ, तो उससे ना तो ध्यान सफल होगा, ना वितर्क, ना विचार, ना आनंद, ना समिता, ना ज्ञान, ना संप्रज्ञा नहीं होगा। तो शुरुआत होती है नाम जप से, अच्छा अच्छा नाम जप करके अच्छा ध्यान में बैठते रहना, बैठते रहने बैठते रहना, फिर ध्यान लगेगा, धारणा पक्की होगी, धारणा पक्की होने के बाद ये सारी घटना घटेगी। तो मेल मूल क्या है, जड़ क्या है, नाम जाप, और उससे ध्यान घटित होगा, ध्यान से गहरा ध्यान घटित होगा, वहां से ये सारी घटनाएं घटित होंगी। तो अगर आप सोचो कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है नाम जाप, और उसका प्रतिफल क्या है, अनुभूतियां नहीं बल्कि बदलाव। तो सिद्ध योग नाम जप से संचालित है और उसका प्रति दर्पण है आपका व्यवहार, ठीक है। बस यही वो उन्होंने पूछा था उस समय, तो वो तो आज आए नहीं, सेशन देखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए बस ठीक है, फिर ये हो गया। अब आपका कोई प्रश्न हो यहाँ पर तो बरखा मुरादिया जी कह रहे हैं आज्ञा चक्र पर गुदगुदी होने से क्या अभिप्राय है? आज्ञा चक्र पे गुदगुदी होना, मैं इसका अभिप्राय नहीं सोच रहा हूं। मैं कुछ और सोच रहा हूं कि मैंने अभी तक जो भी बोला वो कितनों तक पहुंचता होगा। जो कुंडलिनी से होने वाली क्रियाएं हैं वो कुंडलिनी से होने वाली कोई भी क्रिया हमारे ध्यान का विषय सिर्फ ध्यान में ही होना चाहिए कि मेरे को इस समय आज्ञा चक्र पर गुदगुदी हो रही है, तो मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पे लाने की कोशिश की जा रही है। कुंडलिनी चाहती है कि मेरा ध्यान इस समय आज्ञा चक्र पे आ जाए, क्योंकि मेरा ध्यान या तो घुटने में है, या सीने में है, या कमर में है, या कंधे में है, या भौतिक वस्तुओं में, कहीं मेरा ध्यान भटक ना जाए। उस समय जो कुंडलिनी कार्य कर रही है वो कार्य होने के लिए मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पे होना जरूरी है। तो आज्ञा चक्र पे कोई हलचल करना पड़ेगा, आज्ञा चक्र पे कुछ जोर देना पड़ेगा, आज्ञा चक्र पे ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, आज्ञा चक्र पे पेन देना पड़ेगा, गुदगुदी करनी पड़ेगी, चींटियाँ चलानी पड़ेगी, ताकि साधक विशेष अपना ध्यान विषय वस्तु विशेष से हटाकर अपने आज्ञा चक्र पर लाए, ताकि वो कार्य पूरा हो सके। तो ये इस तरह से अनुभूतियाँ कार्य करती हैं। लेकिन उसने जो गुदगुदी करवाई वो हमारा विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा विषय होना चाहिए कि गुदगुदी होने के बाद उस ध्यान के बाद क्या घटना घटी, परिणाम क्या है,
और बदलाव मुझ में उस गुदगुदी के बाद, उस घटना के बाद क्या हुआ, ये आपका ध्यान रहना चाहिए। प्रश्न प्रश्न तो हो ही सकता है कि ये इसका क्या अभिप्राय है, लेकिन हमें अगर साधक हमें सही में अपनी साधना को, सब प्रश्न तो आपको पूछने ही है, ये तो ये इस बात को तो हम ये नहीं कह सकते कि आपने प्रश्न पूछा है, क्यों पूछा है, क्या नहीं पूछा है। वो प्रश्न कोई छोटा बड़ा नहीं होता, या प्रश्न किसी भी प्रकार से कोई खराब नहीं होता, प्रश्न प्रश्न होता है। बात यह है कि अगर ये प्रश्न आ गया है तो अब आपको इस प्रश्न से बाद क्या करना है। इस प्रश्न के बाद अभी आपकी धारणा प्रश्न है कि ये क्यों हुआ, अब आपका होना चाहिए ध्यान कि इसके होने के बाद क्या होगा। ठीक है, आपकी धारणा उसके परिणाम पे होनी चाहिए मेनली। ठीक है, तो प्रश्न तो आप पूछ सकते हो, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन अनुभूति का रहस्य जानने में नहीं होनी चाहिए, अनुभूति से आने वाले बदलाव का रहस्य जानने में होनी चाहिए। ये सिर्फ ध्यान 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 में लाने की बात मैं कर रहा हूँ। प्रश्न आप पूछो, नहीं तो प्रश्न बंद ही हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो प्रश्न ही होते हैं, अच्छी बात है। अच्छा, गुदगुदी होने के बाद आज्ञा चक्कर से लहरें सी उठती हैं और रीढ़ की हड्डी तक पीछे जाती हैं। ये भी तो वैसे तो एक क्रिया ही है, अब डिपेंड करता है कि आपको वो लहरें वहाँ जहाँ महसूस हो रही हैं तो किस कारण हो रही है। अभी मैं तो आपको जानता नहीं बरखा जी, किस लिए शरीर के किस रीढ़ के किस भाग के लिए कुछ हो रहा है, या फिर कोई क्लियरेंस हो रही है सुषुम्ना नाड़ी में, कोई अवरोध है उसको क्लियर कर रही है, क्या कर रही है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ की ऊर्जा ही नीचे जा रही है, तो बदलाव तो आपको अपने शरीर में फिर महसूस होना चाहिए, क्योंकि अनुभूति आपको अपने स्थूल शरीर में हो रही है, तो परिवर्तन भी स्थूल शरीर में ही होना चाहिए, है ना। तो स्थूल शरीर में कुछ बदलाव आने चाहिए, और एक बार कोई अनुभूति हो जाए, जरूरी नहीं है सोचो किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, जैसे मुझे है, मुझे कोई ऐसी अनुभूति हो जाए कि मुझे रीढ़ की हड्डी में कुछ महसूस हो रहा है आगे चक्कर से जाके, तो वो एक ही दिन में ठीक हो जाए, ऐसी मुझे परिकल्पना नहीं करनी चाहिए। समय लगता है कई बार, आप ये ना सोचें कि अगर कोई चीज़ ठीक हो रही है तो वो क्यों नहीं हुई, 10 दिन से, 20 दिन से, या 50 दिन से, या 2 साल से, 3 साल से, 6 साल से मुझे कोई एक ही क्रिया हो रही है रीढ़ की हड्डी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई, ऐसी परिकल्पना नहीं करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत गहरा जाने के लिए वो समय लग जाता है उस क्रिया को, रूट से ही काम करती है कुंडलिनी, ऊपर ऊपर तो कुछ सफाई नहीं करती, वो सीधा जड़ पे ही कार्य करती है, जाके जड़ ही खत्म करती है वो। इसलिए हमें लगता है ये सिम्टम अभी भी दिखाई दे रहा है तो शायद इस पे काम नहीं हुआ, लेकिन वो कितनी गहरी जड़ है उसकी, वहाँ तक पहुँचने में हमारी साधना कितनी अच्छी है कि हम कुंडलिनी को वहाँ तक ले जाए, हमारी साधना नाम जप हमारा ध्यान समर्पण माँ को वहाँ तक लेके जाए, ताकि उसकी वो जड़ तक पहुंचे। जिस दिन वो जड़ तक पहुंच गई, उसने उखाड़ के फेंक देनी है, छोड़नी नहीं है। ये अनुभूतियां जो है वो हमें बताती हैं कि क्या चल रहा है। सूक्ष्म अनुभूतियां मन में क्या चल रहा है, स्थूल अनुभूतियां शरीर में क्या चल रहा है, और फिर और भी सूक्ष्म ध्यान चला जाता है, ध्यान में फिर बहुत सारी चीजें हैं, वो हमारे आत्मरूप को स्थापित करता है और फिर चित्त में बदलाव करता है, वो अलग है। क्रियाओं को देखें तो प्रतीकात्मक रूप शरीर, आत्मा की अलग है। जैसे सीमांचल भाई ने जो आज बात कही वो आत्मा में स्थापित होने वाली बात है, वो एक क्रिया है। गिल्ट पैदा होना एक क्रिया है कुंडलिनी की तरफ से, उसने ही पैदा की है कि समझो तुम आत्मा हो, तो वो आत्मा की क्रिया है, इसमें कोई हाथ पैर की क्रिया नहीं चाहिए। इसमें तो ध्यान नहीं लगेगा, नाम जाप नहीं होगा 10 दिन 15 दिन उल्टा, लेकिन वो एक क्रिया है, कुंडलिनी की क्रिया है कि क्रिया ना हो, नाम जाप ना हो, इसको पहले गिरने दो खड्डे में, ताकि इसे पता चले कि ये खड्डे में गिरा है तो गिरने वाला ये नहीं है। तो वो भी गुरु गुरु का ही काम है, लेकिन उसमें वर्क डन कुछ भी नहीं है, इसमें स्थूल रूप से वर्क डन है, ये कुंडलिनी क्रिया है। और एक सूक्ष्म रूप से मन भटक रहा है इधर उधर, ये वो सो अच्छा, वो मन पे कार्य है, मन मन चित्त को प्रभावित करता है, चित्त की वृत्तियों को प्रभावित करता है। तो कुंडलिनी में ध्यान नहीं लगना कोई विषय नहीं है, ध्यान कुंडलिनी का विषय नहीं है, ध्यान तो आपको लगा नहीं लगा, कुंडलिनी ने लगाना है तो उसको कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, नहीं लगाना है तो आत्मा को
साबित करना है। तो हर प्रक्रिया सिद्ध योग में आने के बाद हर प्रक्रिया जो है सुधार की प्रक्रिया है और ये यात्रा की प्रक्रिया है। सिद्ध योग में एक बार दीक्षा हो गई, एक बार गुरुदेव के नाम पे बैठ गए, नियमित ध्यान साधना कर ली, तो फिर एक क्षण भी ऐसा नहीं जो क्रिया से बाहर है। 15 मिनट तो सिर्फ आपको लगता है कि 15 मिनट के लिए आप ध्यान कर रहे हो, लेकिन बदलाव 24 घंटे का है। माँ नहीं बैठती, वो एक बार जागृत होगी तो कहाँ बैठेगी, अब क्यों बैठे, जो एनर्जी जागृत बैठी है सालों से वो बैठेगी आराम से, उसकी तो नींद पूरी हो गई है। अब किसी की नींद पूरी हो जाए उसको बिठा के दिखाओ घर में, वो कहेगा भाई क्या बैठा रहूँ, क्यों बैठा रहूँ, मेरी सजा मिली है कोई मुझे, सूक्ष्म रूप से कुछ तो काम दो, झाड़ू पोछा कुछ तो करूँ घर में बैठ के। तो एक बार शुरू तो शुरू, फिर नहीं बंद होती, फिर आप कभी नहीं भटकना कि मुझे कुछ होता नहीं, ध्यान नहीं लगता, नाम जपता हूँ प्रभाव नहीं पड़ता, ये प्रश्नों से मुक्त हो जाओ। प्रकाश जी कह रहे मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए धन्यवाद गुरुदाय। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्न सारे के सारी, और सारी प्रेरणा जो है वो श्री गुरुदेव की ही होती है। इस बात को मैं बताता हूँ आपको, जब मेरी गुरु भाई से बात हुई तो उन्होंने मुझे पूछा था निर्विचार निर्वितरक समाधि, तो मैंने उनको कुछ तो बताया जो मुझे लग रहा था उस समय, लेकिन मेरा दिमाग नहीं चलता उस समय, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जब मुझ पर फ़ोन पे कोई पूछे ना तो मेरे सामने व्यक्ति विशेष होता है, तो मैं व्यक्ति विशेष को जब आंसर देता हूँ तो वो बात बनती नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी आपका प्रश्न रहे ना, अगर आपने उसको आके इधर पूछ लिया, सेशन में आके पूछ लिया, तो जवाब मिलेगा। अब जो जवाब मिला है, जो समाधि विचार वितर्क क्या होती, अब जो प्रश्न का उत्तर मिला है वो स्टीक है, लेकिन जो मैंने उसके साथ डिस्कस किया था वो उतना स्टीक नहीं था, था लेकिन ना उसको क्लियर ना मुझे क्लियर, मैं अगर क्लियर भी हूँ तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा। यहाँ पर मुझे जब मैंने बोल रहा था उस समाधि के बारे में, तब मुझे साथ साथ जैसे कुछ डाउनलोड हो रहा है या फिर मैं उस चीज़ को फील करके बोल रहा था। तो सेशन में जब भी आपका कोई प्रश्न आता है तो आपके प्रश्न का उत्तर देने वाले जो हैं वो प्यारे हैं और वही करते हैं सारा समाधान, उन्हीं को धन्यवाद देना चाहिए, उन्हीं का सत्संग है। ठीक है जी, चलिए, नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए, सत्संग का हिस्सा बने तो बहुत अच्छी बात है। नियमित ध्यान सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे। नियमित ध्यान से वृत्तियां कटती हैं, इसीलिए नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए। ठीक है, सुबह का ध्यान होगा 6:30 बजे, आप सबसे मुलाकात होगी, सब ध्यान कीजिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। भैया जी, राज भैया जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुबह भी भैया जी कहकर रह गई थी। आप मुझे लग रहा था किसी ने भैया जी कहा है ना, जय 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 गुरुदेव जी कहा है, मुझे समझ ही नहीं आया है ठीक से। मैं कह रही थी आज सुबह जब आपने घंटी बजाई थी ना, बड़े प्यार से बजाई थी, ऐसे ही बजाया करो धीरे से। नहीं, ये तो तेज हो गया अभी, मैंने ऐसे बजाई थी। कैसे? पहले धीरे से फिर तेज। अरे यार, अभी उस समय बता दी तो हम, अभी मैं भूल गया मैंने कैसे आप इतने तो निकल लिए। अच्छा चलो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इधर रखूँ धीरे से, अपने पास इधर रख के ऐसे बजाऊँ, फिर मैं धीरे धीरे यहाँ लाता हूँ, ताकि वो ये स्टाइल मैंने थोड़ा सा आज अपनाया था वैसे, ऐसे ऐसे करके पहले मैं इधर बजाऊंगा लुक छुपा के, फिर धीरे धीरे। अच्छा चलो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा मुझे लगता है। मैंने सुना तो था, मुझे समझ ही नहीं आई, भैया जी बोला, गुरुदेव जी गया, गुरुदेव जी बोला, इसीलिए मैं, मेरी आवाज कम आती है। और मैं सेशन बंद होने के बाद मेरे ध्यान में आया, शायद भैया जी कहा किसी ने, मैंने कहा ठीक है, पता नहीं क्या था, लगा तो था मुझे, लेकिन मैंने बंद हो गया था तब सेशन। गुरुदेव की इच्छा नहीं थी, लेट हो रहे थे, हो सकता है शाम को खाना। चलो, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री दादा।